गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो दोस्तों। होप सो आप बढ़िया होंगे, घर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपका प्री का रिजल्ट और उसके अंदर स्कोर कार्ड आ चुका है, अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि सर आपने जो प्रिडिक्ट किया था वो गलत था। देखो यार, एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता आया, जितनी भी वीडियोज है शुरू से लेके आखिर तक जब भी आप देखोगे तो मैंने एक बात हमेशा बोली हुई है कि कट ऑफ को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ये बोला था कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पेपर देखा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ये हो सकती है, और आप मेरी बात का भी भरोसा मत करना और कट ऑफ की बातों पर बिलीव मत करना। केवल और केवल अपने जो है अपना खुद का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और उसमें मेहनत जारी रखें, है ना। ये मैंने हमेशा बोला, मैंने हर वीडियो में ये बात बोली कि कट ऑफ कभी भी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, हमेशा बोला। तो आपने उन बातों को क्यों नहीं पकड़ा ये बताइए मुझे पहले। हमेशा बोलता रहा कि कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट की जा सकती, लेकिन आपने कभी उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं किया। तो देखो दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इन चीजों की प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। इवन दो आईबीपीएस हर बार पैटर्न चेंज कर रहा है, हर बार ये चीजें चेंज होती है, होता या नहीं होता, है ना। तो इन चीजों को जरूर देखें। और दूसरी बात क्या होती है, हम लोग मेहनत करते हैं यार, और मेहनत करते टाइम हमें वही बात है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। समझ में आ गया, वो चीज ध्यान रखें। और दूसरी बात, अभी आपके सामने एक तो हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट सेशन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि आपका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्योंकि कल इस बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी। एक आपका एक एनिमल के अंदर जो आपकी कैटल की ब्रीड है देओनी, उसके बारे में एक आपका डिस्कशन चल रहा था। तो ये दोनों चीजें मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। एक आपका यहां पर है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये काफी मतलब आजकल आप लोगों के बीच में मुद्दा बना हुआ है कि सर ये तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपने गलत बता दी, आप जो है 152 नहीं बता रहे हो, ये आपकी आरबीआई की गाइडलाइन है ना। ये मतलब बड़ा एक हॉट मुद्दा चला हुआ है आपके लिए। और दूसरा यहां पर क्या है कि सर ये 143 है या 147 है। तो देखो, वैसे तो कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में एक्सप्लेन किया था, लेकिन समझ में नहीं आया बहुत सारे बच्चों को। देखो, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, आरबीआई कभी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की गाइडलाइन नहीं देता। पहली बात तो बोलोगे सर यहां पर दी हुई है, देखो ये आरबीआई की वेबसाइट है, और आरबीआई की वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ को ओपन किया, आपके सामने है। इस पीडीएफ में जब मैं नीचे गया तो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ये देखिए 2019, मैंने क्या बोला यहां पर 2019-20, 2018-19 और 2017-18। देखो मैंने क्या बोला, 2017-18, 2018-19 और 2019-20, ये हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें जब देखोगे नीचे, तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्टेट का डेटा अभी तक आया नहीं हुआ। किसमें नहीं आया हुआ, 2019-20 में नहीं आया हुआ। अब लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली ये बिना देखे और नीचे यहां पर आपका केवल इन स्टेट के अकॉर्डिंग जिनका डेटा आया हुआ है उनके अकॉर्डिंग 152 है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की। समझ में आया, तो अवेलेबल डेटा जब कंप्लीट नहीं है तो इसको आपका नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसको माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये कभी भी आपके एग्जाम में आंसर नहीं मांगा जाएगा, आपका एग्जाम में जो आएगा वो यहां पर 147 आएगा 2017-18 के लास्ट जो आपका फुल आपका डेटा है। ये देखिए इसमें सारे के सारे स्टेट आपके कवर किए गए हैं, और ये आपका डेटा कब का है, 2017-18 के अकॉर्डिंग। समझ में आया, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी आप किसी, क्योंकि अब देखो यार, मैं भी चमका सकता था, मैं भी बोल सकता था इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 152, 152, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। क्योंकि रीजन क्या है, जब आपको कुछ नया मिलेगा तो एकदम से आप लोग उसकी तरफ चले जाते हो, है ना, उन चीजों की तरफ कि हाँ यार ये दिया जा रहा है ना। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यार ऑथेंटिक कंटेंट क्या है, उस बात के ऊपर फोकस करो, ठीक है। दूसरी बात, अब मेरी यहां पर चल रही थी कि द्योनी ब्रीड आपकी, ये आपकी यहां पर क्या है, मिल्स ब्रीड है। मिल्स का मतलब होता है क्या, मिल्किंग ब्रीड है, या फिर ये आपकी जो है यहां पर दूसरी ड्यूल पर्पज ब्रीड है। तो याद रखना, द्योनी एक आपकी ड्यूल पर्पज ब्रीड में कंसीडर की जाती है। जब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ देख लेना कि इसका मतलब यही है क्या, है ना, जो आपका NBAGR है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। तो मैंने कल आपका टेलीग्राम के अंदर जो है लिंक भी इसका प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हो पूरी रिसर्च इसके ऊपर है, द्योनी ब्रीड के ऊपर।
सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा उन्होंने क्या बोला हुआ है। पहली दो या तीन पेज में ही उन्होंने पहली बात में ही लिखा हुआ है कि कैटल जो द्योनी कैटल इज ए ड्यूल पर्पज ब्रीड। ड्यूल मतलब ये मिल्क के लिए भी अच्छी है और ये आपकी ड्राफ्ट पर्पज के लिए भी अच्छी है। समझ में आया? तो देखो मैं बार बार आपको बोलता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है यार आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका यूट्यूब के ऊपर आने के बाद आपको कंटेंट ऑथेंटिक मिले। आपको बार बार बोलता हूं कि हमेशा मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। समझ में आया? चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था पेस्टिसाइड वगैरह के बारे में, आपके फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। वैसे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट करंट अफेयर का है उसके अंदर हमने यहां पर आपको दिया हुआ है ना। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। जब आप चाहोगे इसमें तो आपको मिलेगा यहां पर इस प्रकार से, करंट अफेयर के जो समराइज्ड नोट्स हैं उनमें हम जब बात करते हैं तो यहां पर आपका आता है जी इस प्रकार से डेटा। ये तो आपका एक रहा जो है लैंड होल्डिंग साइज के अकॉर्डिंग 1.08, और याद रखना जब भी आप लोग बात करते हो नाबार्ड नोम तो ये 1.08 जो है वो 1.1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पिछली बार जब मैं एक क्वेश्चन लेके आया था तो आप लोग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो ये आपका 1.1 है। ठीक है, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखें। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका फर्टिलाइजर के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा था। ठीक है, फर्टिलाइजर के रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूं एक सेकेंड, क्योंकि पूरा का पूरा आप लोग जब तक देख नहीं लेते फिर आप भी विश्वास नहीं करते हो, है ना। ये आपकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है सारी की सारी यहां पर, है ना। और ये आपका पे जो है अभी फ्री कोर्स जो मैंने बोला था सभी लोगों के लिए उसमें अवेलेबल है ये पूरी की पूरी पीडीएफ, है ना। ये समराइज नोट्स हैं आपके जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये समराइज नोट्स की फॉर्म में सभी लोगों को दिए गए हैं। अगर आप लोग जाकर देखोगे तो पूरी की पूरी पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक जो आपका इंडिया की रैंक है वो 5th है, 9th नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें भी आपके बोल रहे हैं कि सर ये गलत आप बता रहे हो, गलत नहीं बता रहा हूं डियर, ये आपकी जब आप लोग IFOAM की रिपोर्ट देखोगे तो उस समय आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का आपका हर डेटा इसके अंदर जब पीडीएफ में जाओगे तो आपका अवेलेबल है। समझ में आया? और इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका ये रहा जी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का डेटा। चलिए ये देखो डियर, पेस्टिसाइड कंजप्शन में जो स्टेट है महाराष्ट्र सबसे टॉप में है, उसके बाद आपका यूपी है, फिर पंजाब है, फिर तेलंगाना है, फिर हरियाणा है, और लोवेस्ट कंजप्शन में गोवा, नागालैंड और मणिपुर है। ये आपका यहां पर प्रेजेंट रहा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए फर्टिलाइजर कंजप्शन की, तो फर्टिलाइजर कंजप्शन 2019-20 के अकॉर्डिंग बिहार है। कल किसी ने बोला था कि है ना कि आप कर क्या रहे हो, तो देखो यार बिहार रियलिटी में है। 1920 का डेटा चेक करो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा 245.25 डेटा मैंने दे रखा है एग्जैक्टली। उसके बाद पुदुचेरी है 244, उसके बाद पंजाब है 243, हरियाणा है 212 और तेलंगाना है 206। समझ में आया बेटा? ये आपका डेटा है। समझ में आया? इनको हमेशा पढ़ें, इनको पढ़ने से ही आपको यहां पर पता चलेगा। उसके बाद लोएस्ट कंजप्शन में ये आपके आ जाएंगे, देखो इनकी जीरो है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद गोवा, फिर मिजोरम, है ना, ये आपका रैंकिंग यहां पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपका एक्सपोर्ट जो मैंगो हो रहा है ना, ये चीजें अलग आ चुकी है। ठीक है,
अब बताओ कि इसके अंदर किसी को कोई डाउट था तो अब क्यों इस चीज की चिंता करते रहते हो यार? आपको जब कंटेंट ऑथेंटिक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपको प्रूफ तक दिए जाते हैं, फिर भी आप लोग नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि आपको वो कहते हैं ना, और इसके बाद भी नहीं मानना ना, तो मैंने एक कहानी ऑलरेडी एक दिन सुनाई थी, और मैं रोज रोज बोलता हूं है ना कि गधों के साथ दिमाग नहीं खराब किया जाता, अपना आगे बढ़ो मेहनत करते हुए, क्योंकि वो बोलते रहेंगे है ना। उनको अगर वो बोल रहे हैं ना कि घास आपका ब्लू है, नीले रंग का है, तो मान लो नीले रंग का है, उनको मानने दो, क्योंकि उनके साथ बहस नहीं कर सकते हो आप लोग। उनके साथ बहस करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, और मैं हमेशा अवेलेबल हूं। कभी नहीं बोला कि मैं भाग रहा हूं, कभी किसी सिचुएशन से नहीं भागे हैं, हमेशा आए हैं, आपके सामने आए हैं है ना। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आपको कोई डाउट है तो बोलिए, हर चीज को आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? तो आपका डेटा ये प्रेजेंट रहा। अगर आपको ज्वाइन कर सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, और अगर फर्स्ट यूटी पूछ ले तो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है? चलिए, तो ये रहा जी आपका डेटा। सेकंड उत्तराखंड और मेघालय। सर सेकंड जो आएगा वो उत्तराखंड आपको करना पड़ेगा, सेकंड उत्तराखंड करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड अगर आंसर आपका आ जाए तो स्टेट में उत्तराखंड करना पड़ेगा, ठीक है? फर्टिलाइजर टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, फर्टिलाइजर टॉपिक आज आपको जो है मैं यूट्यूब वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी जो है, अभी आपकी क्लास जो है वो भानीराम सर लेने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस को वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनको आप लोग देखिए, समझिए, मेहनत करिए, हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होंगे। और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, लेकिन मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डरना किसी से भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस केवल और केवल अपने कंटेंट पे फोकस करो है ना, ऑथेंटिसिटी पे फोकस करो, क्योंकि बिना मतलब की बातें नहीं की जा सकती, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। और अभी आपके भानिराम सर जो है वो आपकी क्लास लेने वाले हैं, ठीक है? आप जाइएगा नहीं, केवल लाइव रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बिल्कुल बैलेंस का आज जो है आपका सेशन रहने वाला है, और आज आप इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो इस सेशन को हमेशा याद करेंगे, ये मेरा आप लोगों के साथ कमिटमेंट है। देखिए, आज के इस खूबसूरत सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सिट्रस ट्रस्टीजा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। देखो, जो सिट्रस है उसका जो ट्रस्टीजा वायरस है वो किससे फैलता है? ए ऑप्शन है आपके पास एफिड, बी है व्हाइट फ्लाई, सी है लीफ हॉपर, डी है सीड। देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस ट्रस्टीजा वायरस जो है वो तो फैलता है एफिड से, लेकिन ध्यान रखिए एफिड से सबसे ज्यादा मोजक फैलते हैं। लगभग जितने भी मोजक है वो मेनली किससे फैलते हैं? एफिड से। ऑलमोस्ट जो मोजक है वो किससे फैलते हैं? एफिड से फैलते हैं। जैसे कुछ मोजक की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जैसे बीन्स जितनी भी है, पल्सेस जितनी भी है, उन सब का मोजक एफिड से फैलता है। एक साथ याद रख लो, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी बीन है, जितने भी लेग्यूम है, उनका मोजक है एफिड से फैलता है। क्रूसीफेरस के मोजक है वो भी एफिड से फैलते हैं। कुकरबिट्स का मोजक है वो भी एफिड से फैलता है, क्रूसीफेरस का भी। उसके अलावा कुकरबिट्स के भी मोजक है वो किससे फैलते हैं? एफिड से फैलते हैं। पोटेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, इनका मोजक भी एफिड से फैलता है। शुगर केन का जो मोजक है वो भी एफिड से फैलता है, और मक्का का येलो मोजक है वो भी एफिड से फैलता है। उसके अलावा एफिड से पोटेटो लीफ रोल वायरस भी फैलता है। मोजक तो फैलते ही फैलते हैं, टस्टीजा वायरस भी फैलता है, उसके अलावा पोटेटो लीफ रोल वायरस है ये भी किससे फैलता है? एफिड से फैलता है। लेकिन एफिड से फैलने वाले मोजक एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट यही याद रखता है कि मोजक मोजक बोले तो किससे फैलता है? एफिड से फैलता है। मोजक बोले तो किससे फैलता है? एफिड से फैलता है। ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इसी चीज को याद रखते हैं, ठीक है? अब देखो, कुछ मोजक जो है जैसे व्हाइट फ्लाई से भी फैलते हैं, जो सफेद मक्खी है ना उससे भी फैलते हैं। व्हाइट फ्लाई से फैलने वाले मोजक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फ्लाई से फैलने वाला जो मोजक है, एक तो है येलो मोजक और ब्लैक ग्राम,
जो उड़द है उसका येलो मोजक वायरस है वो किससे फैलता है, व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी से। और इसका जूलॉजिकल आप नाम जानते होंगे, फटाफट आप रिप्लाई कर दीजिए कि व्हाइट फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। येलो मोजक और ब्लैक ग्राम यानी जो उड़द का मोजक है, ब्लैक मोजक है सॉरी येलो मोजक है, वो किससे फैलता है, व्हाइट फ्लाई से। उसके अलावा आप जानते ही हैं येलो वाइन मोजक वायरस, येलो वाइन मोजक वायरस ओकरा भिंडी का सबसे खतरनाक रोग है येलो वाइन मोजक वायरस, ये भी व्हाइट फ्लाई से फैलता है। उसके अलावा टेपोइका मोजक वायरस जो है, टेपोइका मोजक वायरस है वो भी व्हाइट फ्लाई से, व्हाइट फ्लाई से तीन मोजक वायरस मेनली फैलते हैं, कौन कौन सा, येलो मोजक और ब्लैक ग्राम, दूसरा येलो वाइन मोजक वायरस जो ओकरा भिंडी का है, तीसरा टेपोइका मोजक वायरस जिसको कसावा मोजक वायरस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि टेपोइका का दूसरा नाम क्या होता है, कसावा होता है। तो ये तीन मोजक है जो व्हाइट फ्लाई से फैलते हैं। एक हो सकता है आपने पढ़ा हो मिली बग, मिली बग से फैलने वाला एक मोजक है जो किसमें लगता है, सिट्रस, और सिट्रस मोजक वायरस है वो मिली बग से फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस मोजक वायरस है वो किससे फैलता है, मिली बग से फैलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस मोजक वायरस मिली बग से फैलता है। उसके अलावा मैंने कहा था ऑलमोस्ट बीन और पल्सेज के जो मोजक है वो किससे फैलते हैं, एफिड से फैलते हैं, लेकिन येलो मोजक और ब्लैक ग्राम है ये व्हाइट फ्लाई से फैलता है। और पीजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस जो है, पीजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस है ये मेनली किससे फैलता है, माइट से फैलता है, किससे फैलेगा ये, माइट से फैलेगा। अब देखो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, बोटल गार्ड सारे कुकरबिट मोजक वायरस, सारे के सारे कुकरबिट्स मोजक वायरस है वो किससे फैलते हैं, एफिड से फैलते हैं, किससे फैलते हैं, एफिड से। मैंने व्हाइट फ्लाई का आपसे नाम पूछा था, आप लोगों ने इसका रिप्लाई दिया क्या भाई, ठीक है बिल्कुल सही है, यही व्हाइट फ्लाई का बेमेसाई टेबेसाई नाम रहता है और ये कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है। चलिए अब मैं बात कर रहा था कि सभी कुकरबिट्स के अंदर जो मोजक वायरस है वो एफिड से फैलता है, किससे फैलता है, एफिड से फैलता है। लेकिन बोटल गार्ड का जो मोजक वायरस है, याद रखना बोटल गार्ड का जो मोजक वायरस है वो रेड पंपकिन बीटल से फैलता है। बोटल गार्ड बोले तो लोकी, लोकी का जो मोजक वायरस है वो रेड पंपकिन बीटल से फैलता है। तो ये जो एफिड से न फैलने वाले मोजक है ना, यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक मोजक का आपको और ध्यान रखना है, टोमेटो मोजक वायरस, टोमेटो मोजक वायरस सबसे ज्यादा सीड से फैलता है। टोमेटो मोजक वायरस है मेनली किससे फैलता है, सीड से फैलता है। अब जितने भी मोजक से उनका बता दिया, उसके अलावा व्हाइट फ्लाई से फैलने वाले मोजक वायरस तीन है, मिली बग से फैलने वाला सिट्रस मोजक वायरस है, और सीड से फैलने वाला मोजक वायरस है वो कौन सा है, टोमेटो है, और माइट से फैलने वाला पिजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस है। ध्यान रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यहां से एक आधा क्वेश्चन आपके उठने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए लेना है तो। अब देखो हमारे ऑप्शन में एक था व्हाइट फ्लाई, देखिए जितने भी लीप करल वायरस है, जितने भी लीप करल वायरस है वो मेनली किससे फैलते हैं, व्हाइट फ्लाई से। जितने भी लीप करल वायरस है वो मेनली किससे फैलते हैं, व्हाइट फ्लाई से, सफेद मक्खी से फैलते हैं, चाहे वो सोलेनेसी का है, चाहे वो पपाया का है, चाहे वो बीन्स का है, लीप करल वायरस हमेशा व्हाइट फ्लाई से फैलता है। लेकिन एक लीप करल वायरस जो है वो व्हाइट फ्लाई से नहीं फैलता, वो थ्रिप से फैलता है, उसका नाम है चिल्ली लीप करल वायरस। चिल्ली लीप करल वायरस यानी मिर्च का जो पत्ती मोड़क वायरस है वो किससे फैलता है, थ्रिप से फैलता है। बाकी कोई सा भी लीप करल वायरस आ जाए, पत्ती मोड़क वायरस आ जाए, हमेशा किससे फैलता है, व्हाइट फ्लाई से फैलता है। एक मैंने यहां ऑप्शन दिया था लीप हॉपर, कौन सा दिया था, लीप हॉपर। माइकोप्लाज्मल जो डिजीज होते हैं, माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो मुख्य रोग होते हैं ज्यादातर लीप हॉपर से फैलते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर किससे फैलते हैं, लीप हॉपर से। लेकिन एक वायरल डिजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है वो कौन सा है, टुंग्रो वायरस इन राइस। देखो राइस का टुंग्रो वायरस है वो भी किससे फैलता है, लीप हॉपर यानी पत्ती के फुदके से फैलता है। एक पोटेटो येलो ड्वार्फ वायरस है,
पोटेटो येलो ड्वार्फ वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेटो येलो ड्वार्फ वायरस, वो भी किससे फैलता है, लीफ हॉपर से फैलता है, ठीक है। और उसके अलावा एक टुकड़ा डिजीज होता है मलबरी का, सैतूत का टुकड़ा, टी यू के आर ए, टुकड़ा, कौन सा होता है, टुकड़ा, टुकड़ा, ये जो टुकड़ा डिजीज होता है किस में लगता है, मलबेरी में लगता है। और ये जो डिजीज है ये भी किससे फैलता है, लीफ हॉपर से फैलता है। अब मैंने जितने भी वायरस के बारे में आपको वेक्टर बताए हैं, हॉर्टिकल्चर में अगर कोई वायरल डिजीज से क्वेश्चन आ गया तो इनमें से ही कोई आपसे पूछा जाना है, इनमें से ही आपसे पूछा जाना, इससे बाहर आपका कोई भी, चाहे कितने ही पुराने आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैंने इतने सारे जो वायरस है वो यहां पर मेंशन किए थे और उनके वाहक है, उनके मेंशन वाहक है उनको भी यहां पर मेंशन किया था। नेक्स्ट देखो, अगला जो क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, क्रोमोजोम नंबर ऑफ कॉफी सॉरी कॉफिया केनेफोरा, जो कॉफिया केनेफेरा है इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं। ये रुबस्टा कॉफी का नाम है, कौन सी कॉफी का नाम है, रुबस्टा कॉफी का नाम है। तो देखिए इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ए ऑप्शन 22 है, बी ऑप्शन 44 है, सी ऑप्शन 66 है और डी ऑप्शन 88 है। फटाफट उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं आपको उत्तर की तरफ ले जा रहा हूं। देखो रुबस्टा कॉफी, जिसको हम कॉफी केनोफोरा बोलते हैं, कॉफी जो भी होगी वो सारी की सारी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, रूबेसी, है ना। उसके अलावा ट्री कॉफी भी होती है, कॉफिया लिब्रिका, है ना, कॉफिया लिब्रिका जो होता है वो भी रूबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो रुबस्टा कॉफी है, इसमें क्रोमोजोम नंबर होते हैं 22 और ये होता है डिप्लॉइड, ए ऑप्शन में आपके दिया था, जिन स्टूडेंट ने ए ऑप्शन दिया है वो ही राइट है। रुबस्टा कॉफी है उसमें गुणसूत्र संख्या 22 यानी डिप्लॉइड होती है। वहीं पे अरेबिका कॉफी की अगर बात की जाए, कौन सी की, अरेबिका कॉफी की अगर बात की जाए तो अरेबिका कॉफी है, इसका बोटेनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका और ये टेट्राप्लॉइड होती है, चार गुणित होती है और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 44 होती है, 44 होती है, यानी ये टेट्राप्लॉइड होती है। अरेबिका टेट्राप्लॉइड है और जो रुबस्टा है वो कौन सी है, डिप्लॉइड है। और इनमें कमर्शियल जो पार्ट होता है वो बीन होती है, बीन बोले तो फ्रूट, है ना, इसमें जो कमर्शियल पार्ट होता है व्यावसायिक भाग होता है वो कौन सा होता है, बीन होता है। कुछ कई बार कॉफी के जो डेटा है स्टेटिक्स है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड में कॉफी का जो लीडिंग कंट्री है वो ब्राजील है और ब्राजील ही कॉफी का ओरिजिन है। वर्ल्ड में कॉफी की जो लीडिंग कंट्री है वो कौन सी है, ब्राजील, और कॉफी का ओरिजिन भी कौन सा है, ब्राजील। इंडिया का वर्ल्ड में कॉफी प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, छठा, इंडिया 6 लीडिंग कंट्री है कॉफी प्रोडक्शन के अंदर। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट के अंदर तो एक्सपोर्ट में इंडिया 5वें नंबर पे आता है, कॉफी के एक्सपोर्ट में इंडिया 5वें नंबर पर आता है और कॉफी को किंग ऑफ बेवरेज कहते हैं, पेय पदार्थों का राजा कहा जाता है। तो कॉफी के जो नॉर्मल फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ कौन से प्लांट से तैयार किया जाता है, हेविया ब्रेसिलेंसिस से तैयार किया जाता है, किससे, हेविया ब्रेसिलेंस प्लांट से तैयार किया जाता है। इसमें टैपिंग करके जो इससे लेटेक्स निकलता है उसको प्रोसेस करके क्या है, रबर तैयार किया जाता है। तो हेविया ब्रेसिलेंसिस से जो रबर तैयार होता है यानी नेचुरल रबर की बात हो रही है, नेचुरल रबर प्रोडक्शन के अंदर लीडिंग कंट्री कौन सी है, ए ऑप्शन है थाईलैंड, बी है इंडोनेशिया, सी है मलाया और डी ऑप्शन है इंडिया। तो इनमें लीडिंग कंट्री कौन सी है, देखिए फटाफट आंसर कीजिए कि इनमें से लीडिंग कंट्री कौन सी है, थाईलैंड है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडोनेशिया सेकंड पोजीशन पे है, मलेशिया थर्ड पोजीशन पे है, ये तीनों मिलकर विश्व का 70% नेचुरल रबर का प्रोडक्शन करती है और इंडिया जो है वो नेचुरल रबर प्रोडक्शन के अंदर अपना स्थान रखती है फोर्थ, कौन सा स्थान रखती है फोर्थ, कभी फिफ्थ पे कभी फोर्थ पे, लेकिन हाल फिलहाल अगर आपसे पूछे तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी कंट्री है वो रबर के प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्री है, तो वो कौन सी है, थाईलैंड, और यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन, थाईलैंड है वो राइट होगा।
जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप है उनमें कौन सी कंट्री लीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये बात। तो ये फटाफट आप देख लीजिए, अरेका नट सुपारी के उत्पादन में इंडिया फर्स्ट है, केसव नट के उत्पादन में कोटे डिवोरी जो है वो फर्स्ट है, केसव नट बोले तो काजू, कोकोआ बोले तो कहुआ जिसको फूड ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, बेवरेज क्रॉप है, पेय पदार्थों वाली फसल है, इसमें भी जो लीडिंग कंट्री है वो कोट डिवोरी है। कोकोनट के अंदर बात करें तो इंडोनेशिया फर्स्ट पे है, कॉफी में बात करें तो बता दिया आपको ब्राजील है, ऑयल पाम में बात किया जाए तो इंडोनेशिया है, रबर में अभी हमने बात की थी थाईलैंड है, और टी प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। ये प्लांटेशन क्रॉप के अंदर जो लीडिंग कंट्रीज है उनको मैंने यहां पर एक साथ है वो लिस्ट कर दिया है, बाकी आपको देखना है तो देख लीजिए। और ये जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, और ये पीडीएफ कितनी दमदार है, बस कुछ देर तक क्वेश्चन में बने रहिए फिर अपने आप ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वैसे मैंने पीछे एक सेशन में करवाया था, लेकिन जब हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन की बात आ गई तो यहां से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को पिक करने ही थे। तो अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा फ्रूट रिक्वायरमेंट इज, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों की आवश्यकता कितनी होती है। ए ऑप्शन है 120 ग्राम, बी ऑप्शन है 150 ग्राम, सी ऑप्शन है 350 ग्राम और डी ऑप्शन है 300 ग्राम। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की न्यू रिकमेंडेशन के हिसाब से पर कैपिटा पर डे फ्रूट का जो कंजप्शन होना चाहिए वो 150 ग्राम, कितना होना चाहिए 150 ग्राम होना चाहिए। राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। कौन सा, बी ऑप्शन। जो पिछली रिकमेंडेशन थी वो क्या कह रही थी, 120 ग्राम पर कैपिटा पर डे, लेकिन इस अब जो करंट रिकमेंडेशन है वो क्या है, 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन करना चाहिए। और ICMR की अगर मेन आपको रिकमेंडेशन देखनी है तो आप फटाफट देख लीजिए, पर कैपिटा पर डे सीरियल कंजप्शन अनाज का उपभोग करना चाहिए 280 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पल्सेज 90 ग्राम, मिल्क और कर्ड यानी दूध दही दोनों मिला के 300 ml पर डे, वेजिटेबल्स की बात करें सारी वेजिटेबल्स मिला के 350 ग्राम, पिछली रिकमेंडेशन कितनी थी, पिछली रिकमेंडेशन 300 ग्राम की थी। फ्रूट्स है ये अभी हमने बात की थी 150 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, नट और सीड मेवे और बीज है वो 30 ग्राम, और फेट और ऑयल की बात करें वसा की बात करें तो 27 ग्राम, यानी टोटल जो फूड कंजप्शन है पर डे का वो कितना होना चाहिए 1187 ग्राम पर कैपिटा पर डे, 1187 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उपभोग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़े से अपनी स्पीड को ज्यादा रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एरिया नीड इन नर्सरी फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग ऑफ टोमेटो, कहने का मतलब 1 हेक्टर में आपको टोमेटो लगाना है उसके लिए हमें नर्सरी कितने एरिया में तैयार करनी है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 150 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 250 मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 500 मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 1000 मीटर स्क्वायर। देखिए टोमेटो ब्रिंजल चिली टमाटर बैंगन मिर्च इसमें 1 हेक्टर के अंदर नर्सरी लगाने के लिए स्थान कितना चाहिए 250 मीटर स्क्वायर। टोमेटो ब्रिंजल चिली और कोल क्रॉप भी, कोल क्रॉप बोले तो गोभी वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय में फूल गोभी पत्ता गोभी ब्रोकली है ना, इन सब के अंदर अपने को कितने स्थान की आवश्यकता है 250 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता है। अगर 1 हेक्टर में प्लांटिंग करना चाहते हैं तो कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी 250 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर है। देखो 1 हेक्टर में टोमेटो की प्लांटिंग करना चाहते हो तो नर्सरी में एरिया चाहिए 250 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन राइट है, लेकिन टोमेटो ब्रिंजल चिल्ली कोल क्रॉप, कोल क्रॉप बोले तो कैबेज कॉलीफ्लावर ब्रुसेल्स स्प्राउट ब्रोकोली फूल गोभी पत्ता गोभी गांठ गोभी इन सब के अंदर भी 250 मीटर एरिया की ही रिक्वायरमेंट होती है। बात की जाए अनियन की प्याज की तो प्याज के अंदर नर्सरी में कितने स्थान की आवश्यकता होती है 500 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। वेजिटेबल्स में ऑलमोस्ट इन्हीं की नर्सरी के बारे में पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले स्वीट पोटेटो बोले तो शकरगंद, और शकरगंद में 2 नर्सरियां लगती है, पहले हम लगाते हैं ट्यूबर से आती है वाइन यानी बेल आती है, तो बेल आने के बाद फिर उसके टुकड़े करके फिर दूसरी नर्सरी में लगा देते हैं। तो स्वीट पोटेटो आपसे पूछ ले सी कौन सी वेजिटेबल है जिसमें 2 नर्सरी लगती है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नर्सरी में तो इसको स्थान चाहिए 100 मीटर स्क्वायर, कितना चाहिए 100 मीटर स्क्वायर। स्वीट पोटेटो की प्राइमरी नर्सरी में स्थान चाहिए 100 मीटर स्क्वायर।
और सेकेंडरी नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है 500 मीटर स्क्वायर। तो दो नर्सरियों की नीड पड़ती है, कौन सी क्रॉप में पड़ती है, स्वीट पोटेटो में ध्यान रखना। और वेजिटेबल नर्सरी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसप्लांटिंग एज है वो कितनी होनी चाहिए, जो सीडलिंग है, जो पौध है उसको स्थानांतरित करते समय उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी आयु क्या होनी चाहिए। तो जो एनुअल्स होते हैं एक वर्षीय होते हैं उनकी 3 to 4 week यानी 21 से 28 दिन होना चाहिए। जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ये क्या है, एनुअल्स है, एक वर्षीय है, ठीक है। तो इनकी जो ट्रांसप्लांटिंग एज है वो 3 to 4 week यानी डेज में पूछ ले तो 21 to 28 days होनी चाहिए। वहीं पे बात की जाए बाई एनुअल्स, जो द्विवर्षीय होती है उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, तो उनमें जो ट्रांसप्लांटिंग एज है वो 5 to 7 week चाहिए। कितनी चाहिए, 5 to 7 week। 5 to 7 week का मतलब 35 to 50 days की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे से याद कर लेना। अगर वेजिटेबल नर्सरी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इसके लिए आप श्योर रहिए। नेक्स्ट है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग इज, मैं आपसे आंसर चाहूंगा, बताओ मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी है, सबसे सघन फार्मिंग इनमें से कौन सी है। ए ऑप्शन है किचन गार्डनिंग, बी ऑप्शन है मार्केट गार्डनिंग, सी ऑप्शन है ट्रक गार्डनिंग और डी है ऑल ऑफ दीज। जाहिर सी बात है ट्रक गार्डनिंग में इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होती, ट्रक गार्डनिंग में बहुत बड़ा एरिया होता है, आराम से आप इंटेंसिव फार्मिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है दो, इन दोनों में से कौन सा दोगे राइट आंसर। मार्केट गार्डनिंग में फार्मर के पास लैंड होल्डिंग साइज छोटा होता है, जमीन का आकार छोटा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा डेंस खेती करना चाहता है, तो मार्केट गार्डनिंग के अंदर डेंस फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बात की जाए किचन गार्डनिंग की, तो ये आपके घर का प्लॉट है, बहुत छोटी जगह है, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लगाने की कोशिश करते हैं, कम जगह पे है ना, मल्टी स्टोरी कैसे भी करके हम ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लगाने की कोशिश करते हैं। जितनी इंटेंसिटी से आप किचन गार्डनिंग में सब्जियां लगाते हैं उतनी इंटेंसिव फार्मिंग कहीं भी नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग हमेशा किचन गार्डनिंग में होती है, और आजकल अर्बन फार्मिंग जो है वो एक तरह से किचन गार्डनिंग का ही टाइप है, तो अर्बन फार्मिंग या किचन गार्डनिंग के अंदर मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग होती है, ए ऑप्शन राइट है। अगर यहां किचन गार्डनिंग ऑप्शन में नहीं होता तब हम मार्केट गार्डनिंग में इंटेंसिव फार्मिंग होती है, लेकिन मार्केट गार्डनिंग से भी ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग किसमें होती है, किचन गार्डनिंग के अंदर या अर्बन फार्मिंग के अंदर होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किचन गार्डनिंग से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटा किचन गार्डनिंग में एक घर का एक आदमी के लिए किचन गार्डनिंग में कितनी जगह होनी चाहिए, तो 50 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कितनी एरिया पर कैपिटा कितना एरिया होना चाहिए किचन गार्डनिंग में, 50 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। और इंडिया में स्टैंडर्ड फैमिली का साइज कितना है, 5 to 6 मेंबर का है। कितने मेंबर का, 5 to 6 मेंबर का है, तो 5 to 6 मेंबर के लिए किचन गार्डनिंग में कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, 250 to 300 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी किचन गार्डनिंग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ एप्पल, जो सेब है उसका कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या है, यानी प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, बताइए भी जो एप्पल है उसमें कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड कौन सा है, फटाफट बताइए जो एप्पल है उसमें कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड, बिल्कुल ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग, कौन सा है, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग को और क्या बोलते हैं, वीप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। एप्पल पियर के अंदर मेनली अपने कौन सा काम में लेते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, और टंग ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम कौन सा है, वीप ग्राफ्टिंग है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक बहुत तेज रिव्यू ले लेते हैं, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे पीडीएफ ये अवेलेबल है। मैं बता देता हूं कौन कौन से मेजर प्लांट है और उनमें प्रोपोगेशन मेथड कमर्शियल क्या है, जल्दी जल्दी थोड़ा, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहां पे सीड कमर्शियल प्रोपोगेशन में काम में लिया जाता है व्यावसायिक रूप से, है ना, पपाया, फालसा, एसिड लाइम यानी खट्टा नींबू, कोकोनट और अरेका नट में। सीड और हार्डवुड कटिंग दोनों ही करोंदा में और जेट्रोफा में। सॉफ्टवुड कटिंग जो होती है, साकीय कलम जो होती है, जिरेनियम में, बोगनविलिया में और जितने भी लगभग एनुअल ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उनके अंदर अपने सॉफ्टवुड कटिंग ही काम में लेते हैं।
सीड प्लस इनार्चिंग दोनों कमर्शियल प्रोपोगेशन में काम में लेते हैं, मैंगोस्टीन में, और मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। सीड प्लस टी बडिंग दोनों कमर्शियल प्रोपोगेशन में चलते हैं, पुमिलो एक सिट्रस है। सीड तथा इन सिटू बडिंग है ये वुड एप्पल के अंदर काम में ली जाती है। सॉफ्ट वुड कटिंग प्लस लीफ नोड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग या लीफ नोड कटिंग मेनली कौन किसके कमर्शियल प्रोपोगेशन के काम में ली जाती है, टी के। नेक्स्ट है हार्ड वुड कटिंग, कठोर काष्ठीय कलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिग, पोमग्रेनेट, अनार, ग्रेप्स और जो देसी रोज है ना, देसी जो गुलाब है उसके अंदर भी हार्ड वुड कटिंग, और सिंपल रोज सॉरी दूसरे रोज की अगर बात कर लें तो टी बडिंग। सीधा रोज में कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड पूछ ले तब टी बडिंग है, और आपसे कट रोज में पूछ ले तो भी टी बडिंग है, सीधा रोज दे के पूछ ले तो भी टी बडिंग है, लेकिन आपको बोल दिया कि देसी रोज तो देसी रोज में हार्ड वुड कटिंग होती है, जैसे रोजा डेमेशियाना है, रोजा सेंटिफोलिया, इनमें जो होती है वो हार्डवुड कटिंग ही होती है। उसके अलावा बोगनविलिया, उसके अलावा ड्यूरांटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मेन एग्जाम्पल है सिंपल लेयरिंग और कंपाउंड लेयरिंग, दोनों ही मेनली जास्मिन यानी चमेली, मोगरा, जूही में प्रोपोगेशन के काम में ली जाती है। वहीं पे एयर लेयरिंग वायु दाब विधि लेमन में काम में लेते हैं, कमर्शियली है, कमर्शियल मेथड है, चेरी में लेते हैं, लेमन में लेते हैं और एवोकाडो में लेते हैं। लेमन दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं। स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग कमर्शियली प्रोपोगेशन में किसमें काम में ली जाती है, ग्वावा के अंदर काम में ली जाती है। सक्कर है वो बनाना, बेंबू और टीक में काम में लिए जाते हैं, बनाना, बेंबू और टीक के अंदर काम में लिए जाते हैं। ऑफशूट और सक्कर्स की बात करें तो डेट पाम में काम में लिए जाते हैं, और मेनली ऑफशूट्स काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें भी प्रोपोगेशन ऑफशूट से ही किया जाता है। सक्कर्स और स्लिप्स कमर्शियल प्रोपोगेशन है पाइनएप्पल का, सक्कर्स और टिप कटिंग है क्राइसेंथिमम का, रनर्स है दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी का, पेच बडिंग है ओनला, जामुन, पीनट और बिल के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें पीनट नहीं, यहाँ पे पेकन नट है, कौन सा है, पेकन नट है, और ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिंग बडिंग है बेर में कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, लेकिन बेर में रिंग बडिंग के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, टी बडिंग है। बेर में सबसे मेन कौन सा है, रिंग बडिंग, और उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा है, टी बडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टी बडिंग का दूसरा नाम शील्ड बडिंग है, ये मेनली किसमें काम में लेते हैं, मैंड्रीन, स्वीट ऑरेंज, पीच, पलम यानी आलू बखारा और आड़ू, आलमंड, ग्रेपफ्रूट, ओलाइव, इनके अंदर टी बडिंग काम में लेते हैं। टंग ग्राफ्टिंग अभी बात की थी, एप्पल, पियर और एप्रिकोट में काम में लिया जाता है। उसके बाद इनार्चिंग की बात करें तो स्पोटा, जैकफ्रूट, लोकट और एवोकाडो में। वीनियर ग्राफ्टिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंगो में, जिसको हम साइड ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। फोर कट बडिंग इंपोर्टेंट है, रबर में काम में लेते हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग इंपोर्टेंट है, परसीमोन में काम में लेते हैं। उसके अलावा ट्यूबर की बात करें, पोटेटो, कसावा, एरोरूट और डहलिया में प्रोपोगेशन ट्यूबर से करते हैं। राइजोम से प्रोपोगेशन करते हैं टर्मरिक, जिंजर और वॉटर लिली के अंदर। कोरम से प्रोपोगेशन करते हैं कोलोकोसिया, बोले तो टारो, बोले तो अरबी और ग्लेडुलस और याम के अंदर। और क्लोव से प्रोपोगेशन होता है गार्लिक में, और बल्ब से प्रोपोगेशन होता है ट्यूबरोज से। इतने प्रोपोगेशन मेथड आप देख लीजिए, उसके बाद और किसी प्रोपोगेशन मेथड की आपको नीड नहीं पड़ने वाली है, और पीडीएफ आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है प्लांट्स प्लांटेड, है ना, यहां ब्लैंक है, प्लांट प्लांटेड planted in triangle method compare then square system। जो layout का triangle method होता है, जिसको हम zigzag method बोलते हैं एक तरह से, यानी तीन plant मिलके एक triangle बनाते हैं, उस triangle system के अंदर या triangle method के अंदर layout का ना, रेखांकन का, बाग लगाने का जो triangle method है, orchard लगाने का जो triangle method है, उसके अंदर स्क्वेयर सिस्टम, स्क्वेयर सिस्टम से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्चार्ड लगाने का सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है, स्क्वेयर मेथड है। ऑर्चार्ड लगाने का सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है, स्क्वेयर मेथड है। स्क्वेयर मेथड का लेआउट बहुत इजी है, इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बहुत इजी है, और वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लेआउट का जो मेथड है ऑर्चार्ड का, बाग लगाने की जो विधि है वो स्क्वेयर मेथड है, यानी वर्गाकार विधि है। उसकी तुलना से ट्राइंगल में क्या होता है भाई, 15% ज्यादा प्लांट लगते हैं क्या, नहीं लगते हैं 15% ज्यादा, 15% लगते हैं ज्यादा हेक्सागोनल में, किसमें लगते हैं, हेक्सागोनल में लगते हैं, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से 15% अतिरिक्त फल वृक्ष लगते हैं।
और मार्केट गार्डनिंग में इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं, और अगर आपको इंटेंसिव फार्मिंग करनी है तो मार्केट गार्डनिंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? फिर हेक्सागोनल। वैसे तो ऑल ओवर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? स्क्वायर। लेकिन मार्केट गार्डनिंग के लिए बेटर कौन सा होगा? हेक्सागोनल। आपसे पूछ ले हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बढ़िया कौन सा होगा? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी हेक्सागोनल बढ़िया होता है। दूसरा ऑप्शन है लेस, 14% लेस, बिल्कुल ठीक है। वर्गाकार विधि की तुलना से, स्क्वेयर मेथड की तुलना से ट्रायंगल मेथड में 14% लेस प्लांट लगते हैं, 14% जो पौधे हैं वो कम लगते हैं। कितने परसेंट पौधे कम लगते हैं? 14% है वो प्लांट आपको कम देखने को मिलते हैं। फिर ट्रायंगल मेथड की इंपोर्टेंस क्या है? जी खेत जब जियोमेट्री में नहीं होता, ज्यामिति में नहीं होता, ये तो जियोमेट्री है। मान लो कि इससे रोड लाइन या रेलवे लाइन निकल गई, अब बताओ ज्यामिति बची क्या पीछे? यानी ज्यामिति बोले तो जियोमेट्री नहीं बची ना, तो आड़े तिरछे जो खेत है वहां पे ट्रायंगल मेथड काम में लेते हैं। या पहाड़ी एरिया, वहां भी खेत क्या आड़े तिरछे देखने को मिलते हैं, तो वहां भी अपने कौन सा मेथड काम में लेते हैं? ट्रायंगल। बट ट्रायंगल मेथड में स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन में 14% प्लांट है वो कम लगते हैं। नेक्स्ट है 81% मोर प्लांट तो लगते हैं क्विनिक्स मेथड में, जिसको आप फिलर मेथड भी बोलते हैं या फाइव प्लांट मेथड भी बोलते हैं, कभी कभार पेंटागोनल मेथड भी जिसको बोल दिया जाता है। उसमें स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में 81% ज्यादा प्लांट लगते हैं। बट ये 81% ज्यादा लगते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, इनको निकाल दिया जाता है बाद में, तो ये फिलर प्लांट होते हैं। तो अब ध्यान रखना है आपको, यहां क्वेश्चन पूछा था ट्रायंगल मेथड में स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन में प्लांट कितने लगते हैं, तो 14% कम लगते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंडिंग प्रैक्टिस इन विच फ्रूट ट्रीज। देखो बेंडिंग प्रैक्टिस है वो कार्बन रेशियो नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये प्लांट है, इसकी ब्रांच को ऐसे नीचे की तरफ झुका देते हैं। तो अब क्या है, यहां जो लीफ में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फूड बनेगा, वो इस तरफ नहीं जा पाएगा। जनरली तो क्या होता है, यहां लीफ में जो भी फूड बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट, जितना यहां काम आना है वो आ जाता है, बाकी लुढ़कता हुआ कहां चला जाता है? नीचे, और कहां जाके स्टोर हो जाता है? रूट में। और आपको पता है प्लांट में फूड स्टोर कहां पे होता है? हमेशा रूट के अंदर फूड स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप बेंड कर देंगे तो फूड नीचे नहीं जाएगा, यहां कार्बन का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ जाएगा तो फ्रूटिंग बहुत ज्यादा होगी। और ऐसा काम करते हैं महाराष्ट्र के फार्मर, और महाराष्ट्र के जो फार्मर है वो कौन से ऑर्चार्ड के अंदर करते हैं? यहां पे ऑप्शन सही नहीं दिया है, यहां पे मैं डी ऑप्शन दे देता हूं, गुआवा। और राइट ऑप्शन भी क्या होगा? गुआवा के फार्मर करते हैं। कौन से फार्मर करते हैं भाई? गुआवा के फार्मर करते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। क्या ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन। महाराष्ट्र में गुआवा के जो फार्मर है वो बेंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट होता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाना। ग्रेप्स में भी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिस की जाती है, जिसका नाम होता है ग्रीडलिंग। क्या होता है? जिसका नाम ग्रीडलिंग होता है। फिग में भी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिस की जाती है, जिसको हम बोलते हैं वी नोचिंग। क्या बोलते हैं? जिसको हम वी नोचिंग बोलते हैं। और मैंगो के अंदर फिलीपींस के फार्मर बाग में धुआं करते हैं, स्मोगिंग करते हैं, जिससे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ जाता है। ग्रीडलिंग का, वी नोचिंग का, और बाग में धुआं करना, स्मोगिंग का और बेंडिंग का एक ही उद्देश्य है, कार्बन रेशियो नाइट्रोजन बढ़ाना। और इससे क्या होता है? फ्रूटिंग ज्यादा देखने को मिलती है। ग्रीडलिंग होती है ग्रेप्स में, वी नोचिंग होती है फिग में, और स्मोगिंग होती है मैंगो के अंदर, और बेंडिंग आपसे पूछा गया था, और बेंडिंग जो होती है वो किसमें होती है? गुआवा के अंदर होती है। सबका उद्देश्य है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाना, जिसका आउटपुट क्या है? मोर फ्रूटिंग, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, और जो फ्रूट होगा उनका साइज क्या होगा? बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया साइज होगा। नेक्स्ट है रिचमंड लैंग इफेक्ट ड्यू टू। रिचमंड लैंग इफेक्ट है वो कौन से पीजीआर की वजह से, कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से होता है? अब देखिए रिचमंड लैंग जो इफेक्ट है वो क्या होता है, देखो प्लांट जब जर्मिनेट होता है तो स्लो ग्रोथ करता है,
फिर उसके बाद वो बहुत तेजी से वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाता है। जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आ जाती है तब कुछ टाइम तक कंडीशन स्टेडी रहती है, बाद में सेनेसेशन यानी बुढ़ापा आ जाता है और प्लांट मर जाता है। ये सिग्मोइड टाइप का कर्व बनता है, इसको ग्रोथ कर्व कहते हैं। और ग्रोथ कर्व जो दिया था वो सेक्स साइंटिस्ट ने दिया था। ग्रोथ कर्व किसने दिया था? सेक्स साइंटिस्ट ने दिया था। आप सोचिए कि ये एक कोई टमाटर की फसल है और इसकी जो स्टेडी फेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, वो 45 डेज की है। कितने डेज की है? 45 डेज की है। अगर ये एक्सटेंड हो जाए, लंबी हो जाए, यानी सेनेसेशन लेट आए, 45 की वजह 60 डेज की हो जाए, 60 दिन की हो जाए, तो टमाटर जहां पे 45 दिन के लिए प्रोड्यूस हो रहे थे वो कितने दिन प्रोड्यूस होंगे? 60 दिन प्रोड्यूस होंगे। रिचमंड लैंग इफेक्ट यही है कि ये सेनेसेशन में देरी करता है। रिचमंड लैंग एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जेंथियम के पौधे में देखा कि कोई पीजीआर है जो सेनेसेशन को डिले कर देता है, बुढ़ापे को देरी से कर देता है। कौन जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? आप भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के बारे में सोचते होंगे। तो बूढ़ा तो कोई होना ही नहीं चाहता, पौधे को भी हम नहीं होने देना चाहते, ताकि उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज ज्यादा लंबी रहे और प्रोडक्शन अपने को ज्यादा से ज्यादा दे, प्रोडक्शन अपने को ज्यादा से ज्यादा दे। अब ये ऐसा कब हो सकता है? एक पीजीआर का इफेक्ट आता है, वो कौन सा पीजीआर है? इस चीज की डिस्कवरी रिचमंड लैंग ने जेंथियम के पौधे में की थी कि ये पीजीआर है वो सेनेसेशन में डिले करता है, देरी करता है। और वो जो पीजीआर है वो है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन लेटिन वर्ड है और साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन एक लेटिन वर्ड है जिसका मींस होता है सेल डिवीजन। और साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन तो सेल डिवीजन ही होता है, लेकिन साइटोकाइनिन के कारण सेनेसेशन डिले होता है, देरी से आता है। इस बात की डिस्कवरी रिचमंड लैंग ने जेंथियम के पौधे में की थी, इसलिए इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिचमंड लैंग इफेक्ट कहा जाता है। तो साइटोकाइनिन के कारण आता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑक्जिन है, ये ग्रीक वर्ड होता है। ऑक्जिन है, ये ग्रीक वर्ड होता है। सेल इनलोंगेशन, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। एपिकल डोमिनेंसी को दिखाता है। रूट इनिशिएशन, जड़ों के निर्माण को क्या करता है? जल्दी करता है। डीएनए आरएनए सिंथेसाइज का काम करता है। और उसके अलावा कुछ सिंथेटिक जो ऑक्जिन है उनको हम वीड कंट्रोल में भी काम में लेते हैं। 2,4-D, 2,4-5-T, MCPA, CPA, इस तरह के कुछ जो सिंथेटिक ऑक्जिन है जिनको हम वीडिसाइड के रूप में भी काम में लेते हैं। उसके अलावा ऑक्सिन जो है वो क्या करता है? फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप को भी चेक करने का काम करता है, जिसे Na2,4-D है। नेक्स्ट हम बात करें GA3 की, जिब्रेलिक एसिड। ये सेल इनलार्जमेंट करता है, फलों का साइज बढ़ाता है, गन्ने के पोर का साइज बढ़ाता है, ग्रेप्स की बेरी का साइज बढ़ाता है, सिट्रस के फ्रूट का साइज बढ़ाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करता है, यानी सीडलेस फ्रूट डेवलप भी करता है। और जो सीड और बड होती है उनके डोरमेंसी ब्रेक करने का भी काम करता है। ये GA3 का काम होता है। यह है इथिलीन, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है। कौन सा? इथिलीन होता है। और इथिलीन जो है वो एक राइपनिंग हार्मोन कहलाता है, यानी चाहे क्लाइमेट्रिक है चाहे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है उसमें राइपनिंग करेगा वो इथिलीन करेगा। प्लस क्लोरोफिल जो डिग्रेड होते हैं यानी क्रोमोप्लास्ट में चेंज होते हैं और नए पिगमेंट डेवलप होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन है या फिर मैं बोलूं केरोटीन है या फिर जेंथोफिल्स है, यानी पकने के बाद लाल गुलाबी पीला जो भी फ्रूट का कलर आता है वो भी किसकी मेहरबानी से आता है? इथिलीन की मेहरबानी से आता है। तो इनके मैंने मेन मेन फंक्शन आपको बता दिए, बट रिचमंड लैंग इफेक्ट यानी सेनेसेशन में डिले होना साइटोकाइनिन का इफेक्ट होता है। साइटोकाइनिन है ये मोर रूट यानी सॉरी मोर सूट रूट नहीं मोर जो सूट है उसको मतलब इनिशिएट करता है, शाखाओं को ज्यादा प्रेरित करने का काम करता है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन का जस्ट अपोजिट हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन का जस्ट अपोजिट हार्मोन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पीजीआर यूज इन कुकरबिट्स फॉर द मेल फ्लावर इनिशिएशन। कुकरबिटेसी के अंदर क्या दिक्कत होती है? कुकरबिटेसी है वो मोनोसियस नेचर का होता है। मोनोसियस बोले तो द्विलिंगी स्वभाव का होता है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर है वो एक ही प्लांट पे डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद होते हैं। तो ज्यादा गर्मी पड़ती है या ज्यादा यूरिया दे दी जाती है तो मेल फ्लावर ज्यादा इंड्यूस हो जाते हैं, नर पुष्प ज्यादा आ जाते हैं। और नर कोई काम के नहीं अकेले है ना, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो डोनर होते हैं। तब हम फीमेल फ्लावर
को इंड्यूस करने के लिए, मादा फूलों को प्रेरित करने के लिए पीजीआर का यूज करेंगे। जब ठंड पड़ती है तब फीमेल फ्लावर ज्यादा आ जाते हैं, फीमेल फ्लावर अकेले क्या करेंगे, जब तक पोलिनेशन नहीं होगा तब तक उनमें प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब क्या है, तब हम मेल फ्लावर इंड्यूस करने के लिए, नर पुष्प प्रेरित करने के लिए पीजीआर का छिड़काव करते हैं। भी जब फीमेल फ्लावर ज्यादा है तब हमें मेल फ्लावर इंड्यूस करने पड़ेंगे, और जब मेल फ्लावर ज्यादा है तब हमें फीमेल फ्लावर इंड्यूस करने पड़ेंगे। और ये जो रेशियो है वो कितना रहना चाहिए, 3:1 या फिर 2:1 रहना चाहिए। सबसे बढ़िया तो 3:1 है, सबसे बढ़िया रेशियो तो क्या है, 3:1, यानी 3 फीमेल फ्लावर पे एक मेल फ्लावर होना चाहिए, 3 फीमेल फ्लावर पे क्या है, एक मेल फ्लावर होना चाहिए। ये रेशियो अपने को मेंटेन करना है। अब मान लो फीमेल फ्लावर ज्यादा आ गए, मेल फ्लावर कम है, तो हमें मेल फ्लावर इंड्यूस्ड करने हैं, उसके लिए हमें कौन से पीजीआर का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कुकरबिट्स में पीजीआर का स्प्रे जो है या पीजीआर का जो एप्लीकेशन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एप्लीकेशन है, वो कौन सी स्टेज पे देना चाहिए, 2-3 लीफ स्टेज पे देना चाहिए। जब 2-3 पत्तियां आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए, पीजीआर का एप्लीकेशन देना चाहिए, पादप वर्धी नियंत्रकों का छिड़काव करना चाहिए। अब ज्यादा फीमेल है तो हमें मेल इंड्यूस करने, और मेल इंड्यूस करने के लिए कौन सा पीजीआर देना है, ए ऑप्शन है आपका सिल्वर नाइट्रेट, बी ऑप्शन है सिल्वर थायोसल्फेट, सी ऑप्शन है GA3। ये तीनों ही मेल फ्लावर इंड्यूशन का काम करते हैं, यानी तीनों ही मेल फ्लावर को प्रेरित करने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा डी ऑप्शन। मैंने आपको बताया फीमेल और मेल का बेस्ट रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, और पीजीआर का एप्लीकेशन जो है वो कुकरबिट्स में कब दिया जाता है, 2-3 लीफ स्टेज पर दिया जाता है। अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। बात थी यहां मेल फ्लावर की, अगर आपसे पूछ ले फीमेल फ्लावर इंड्यूस करने हैं तब आपको कौन से पीजीआर का एप्लीकेशन करना चाहिए, मेलिक हाइड्रेजाइड का या फिर साइकोसिल का यानी CCC का, या नेप्थलिक एसिटिक एसिड का, या फिर आपको इथेरिल का स्प्रे करना चाहिए। अगर आप इनका स्प्रे करते हैं तो फीमेल फ्लावर है वो इंड्यूस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटोगाइनी फाउंड इन विच फ्रूट, है ना, ये फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम टाइम मैच्योर होते हैं तो होमोगेमी है, ये दोनों अलग अलग टाइम मैच्योर होते हैं तो डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी के दो टाइप है, अगर नर फीमेल से पहले, मेल फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है, मेल फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको प्रोटो एंड्री बोलते हैं, और अगर फीमेल मेल से पहले मैच्योर हो जाती है तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। इस केस में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, ये कंडीशन क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करवाती है। इसके अलावा अगर ऐसी कंडीशन होती है तो पोलिनेशन कम होगा, फ्रूटिंग कम होगी। तो प्रोटोगाइनी का मतलब मादा का पहले, फीमेल का पहले मैच्योर होना, प्रोटो एंड्री का मतलब जो मेल है उसका पहले मैच्योर होना। ये दोनों किसके टाइप है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी बोले तो भिन्न काल परिपक्वता। यहां पूछा गया है प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ए है यहां पे स्पोटा यानी चीकू, बी है पोमग्रेनेट, सी है फिग, डी है बनाना, और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बताइए प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए। ये आंसर दे दिया, इसके बाद एग्रोनॉमी का भी एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो बहुत पॉपुलर है प्रोटोगाइनी का, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। इसका आंसर तो होगा डी, इन चारों के अंदर ही प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं प्रोटो एंड्री की फ्रूट्स के अंदर, तो फ्रूट्स के अंदर प्रोटो एंड्री कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल के अंदर, और उसके अलावा वॉलनट अखरोट में देखने को मिलती है, और प्रोटोगाइनी स्पोटा पोमग्रेनेट फिग और बनाना के अंदर देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है डी, और एग्रोनॉमी क्रॉप में मेनली जो प्रोटोगाइनी है वो मिले पियर मिल्ट यानी बाजरा में देखने को मिलती है, और प्रोटो एंड्री आपको मेज में मक्का में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ वेजिटेबल के एग्जांपल प्रोटो एंड्री के, तो अनियन में प्रोटो एंड्री है, कैरेट गाजर में भी प्रोटो एंड्री है, सुगर बीट यानी चुकंदर में भी प्रोटो एंड्री है, लीक है उसमें भी प्रोटो एंड्री है, सलरी के अंदर भी प्रोटो एंड्री, और फ्रूट के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, कस्टर्ड एप्पल और वॉलनट के अंदर भी आपको प्रोटो एंड्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ डेट पाम इज, खजूर का खाने योग्य भाग है। देखिए फ्रूट के अंदर तीन लेयर्स होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं, एंडोकार्प।
बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं एक्जोकार्प। क्या बोलते हैं? एक्जोकार्प या एपिकार्प। इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। इन तीनों को, मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प, तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। देखो, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, तीनों को मिला के बोला जाता है पेरिकार्प। तो अब फ्रूट में एंडोकार्प भी खाया जाता है, मीजोकार्प भी खाया जाता है, एक्जोकार्प भी खाया जाता है, या तीनों को एक साथ जब ये जुड़ी होती है तो पेरिकार्प के रूप में भी खाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट में कोटलीडन भी खाया जाता है, किसी में सीड भी खाया जाता है, किसी में अरिल पार्ट भी खाया जाता है, किसी में फ्लेसिथेलेमस भी खाया जाता है। यहां आपसे पूछा गया है डेट पाम का कौन सा पार्ट है वो खाया जाता है, एडिबल पार्ट ऑफ डेट पाम, खजूर का खाने योग्य भाग कौन सा है? ए ऑप्शन है पेरिकार्प, बी ऑप्शन है मीजोकार्प, सी ऑप्शन है मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, डी ऑप्शन है मीजोकार्प एंड एपिकार्प, और ई ऑप्शन है एंडोस्पर्म, है ना। तो एंडोस्पर्म का तो मैंने यहां पे साथ में दिया है आंसर, कोकोनट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोकोनट में तो कौन सा पार्ट खाया जाता है? एंडोस्पर्म। अब बताओ डेट पाम में कौन सा खाया जाता है इन पांचों में से? जी, डेट पाम में खाया जाता है पेरिकार्प। डेट पाम में कौन सा पार्ट खाते हैं? पेरिकार्प। अपना मैच कर लो किसका राइट है और किसका रॉन्ग है। नेक्स्ट, अपने अगले क्वेश्चन में चलें। डेट पाम का जो एडिबल पार्ट है वो पेरिकार्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और सभी मेन मेन फ्रूट का देखना चाहते हो तो मैंने इस पीपीटी में स्लाइड में आपको दे दिया है। मैं फटाफट एक रिव्यू ले लेता हूं। पेरिकार्प है वो कस्टर्ड एप्पल, एवोकाडो, बेर और डेट पाम में एडिबल पार्ट है। मीजोकार्प मध्य फल भित्ति, पपाया, मैंगो, मलबरी और सपोटा के अंदर। मीजोकार्प और एंडोकार्प है वो ओनला, एप्रिकोट और बनाना के अंदर है। मीजोकार्प और एपिकार्प है वो पीच, फालसा, चेरी, प्लम, जामुन, करोंदा में है। एंडोस्पर्म इंपोर्टेंट है, कोकोनट में खाया जाता है। फेलेसिथेलेमस इंपोर्टेंट है, एप्पल, पियर, लोकट और स्ट्रॉबेरी में खाया जाता है। कोटलीडन मेवो में खाया जाता है, ड्राई फ्रूट में, केसव नट को छोड़ के, काजू को छोड़ के, पेकन नट, आलमंड, पिसिया नट और इवन वॉलनट भी। वॉलनट एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, वो भी लिख लेना। कोटलीडन ड्राई फ्रूट यानी मेवो में खाया जाता है। सकुलेंट प्लेसेंटा है, बील में खाया जाता है। फ्लेसी रेसिपेक्टल्स फिग में खाया जाता है। पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा ग्रेप्स में खाया जाता है। जूसी प्लेसेंटल हेयर सिट्रस में खाया जाता है। जूसी सीड कोट और या फिर अरिल जो पार्ट है वो पॉमग्रेनेट में खाया जाता है। थैलेमस और पेरिकार्प ग्वावा में इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना इसको। ब्रैक्ट या पेरियंथ जैक फ्रूट यानी कटल और पाइनएप्पल में खाए जाते हैं। फ्लेसी एरिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक कोकोनट का एंडोस्पर्म और दूसरा लीची का फ्लेसी एरिल किसमें खाया जाता है? लीची में खाया जाता है। और फ्लेसी पेडिकल्स है वो केसोनट में खाया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किंग ऑफ फ्रूट, हिंदुस्तान फ्रूट, लव ऑफ फ्रूट से, है ना, यानी मैंगो से। मैक्सिमम हर्माफ्लोरिडेट फ्लावर इज फाउंड इन विच वेराइटी ऑफ मैंगो? आम के अंदर प्रॉब्लम है एंड्रोडायोसियस टाइप का फ्लावर, एंड्रोडायोसियस टाइप का सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। एंड्रोडायोसियस का मतलब है कुछ फ्लावर तो होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फ्लावर है वो मेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं होते। मैंगो में एक ये प्रॉब्लम है। मैंगो में दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मैंगो में दूसरी प्रॉब्लम है फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है। इसलिए मैंगो में जब 1000 फूल लगते हैं तो उनमें से एक फूल ही फ्रूटिंग दे पाता है। 1000 में से कितने फूल है वो फ्रूटिंग दे पाते हैं? एक। यानी फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग जो रेशियो देखें तो वो 0.1% ही देखने को मिलता है। जितने हर्माफ्लोरिडेट फ्लावर ज्यादा होंगे, जितने हर्माफ्लोरिडेट यानी उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर जितने ही ज्यादा होंगे, उतने ही फ्रूट आने के चांसेज होंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी वेराइटी के अंदर आपको सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्लोरिडेट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन है साहेब पसंद। साहेब पसंद में सबसे ज्यादा टीएसएस कंटेंट होता है, 27% या 27 डिग्री ब्रिक्स होता है साहेब पसंद में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं साहेब पसंद के बाद, तो जावेरी के अंदर सबसे ज्यादा टीएसएस होता है 25 होता है। कितना होता है? 25।
जावेरी में 25 होता है, साय पसंद में सबसे ज्यादा टीएसएस होता है 27 डिग्री ब्रिक, सबसे ज्यादा साय पसंद। पहले आपने हो सकता है जावेरी पढ़ी होगी, लेकिन अब जावेरी से भी ज्यादा साय पसंद में है। लंगड़ा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि फ्लावर ड्रॉप की समस्या बहुत है, फ्लावर ड्रॉप की समस्या बहुत ज्यादा है इसमें। रोजिका मैंगो की म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्म है। जो रोजिका है ये मैंगो की म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तन से तैयार की गई है, और रुमानी में सबसे कम बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ओनली 0.74% ही बायसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। बात थी कि सबसे ज्यादा बायसेक्सुअल फ्लावर कितने होते हैं, लंगड़ा में बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं 68.9%, बट इससे भी ज्यादा साहेब पसंद में 75% होते हैं। तो सबसे ज्यादा बायसेक्सुअल फ्लावर साहेब पसंद में, और सबसे ज्यादा टीएसएस भी साहेब पसंद में। साहेब पसंद में बायसेक्सुअल फ्लावर 75% और टीएसएस है वो कितना देखने को मिलता है, टीएसएस है वो इसमें 27% देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट वेराइटी है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर डिस्कवर्ड बाय। देखो एक्सपोर्ट के अंदर उत्तक से यानी स्पॉन्जी टिश्यू बहुत बड़ी समस्या है, और एक्सपोर्ट वेराइटी है अल्फांजो, और अल्फांजो के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू बहुत ज्यादा होता है। स्पॉन्जी टिश्यू होता किसकी कारण है, इनकन्वेंशनल टेम्परेचर की वजह से होता है, इनकन्वेंशनल टेम्परेचर की वजह से। अगर आप स्पॉन्जी टिश्यू खत्म करना चाहते हैं तो थर्ड फोर्थ मैच्योरिटी, थ्री फोर्थ मैच्योरिटी पे ही आम को तोड़ो, थर्ड फोर्थ मैच्योरिटी पे ही आप आम को तोड़ो 10-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर के अंदर 8-10 आवर्स के लिए, 8-10 घंटे के लिए रखो, तो स्पॉन्जी टिश्यू से बचा जा सकता है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया तो फिर स्पॉन्जी टिश्यू नहीं होने वाला है। पूछा गया है कि स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर है वो डिस्कवर किसने किया था, आप आंसर दीजिए। इतने में मैं स्पॉन्जी टिश्यू के बारे में और कुछ बता देता हूं। स्पॉन्जी टिश्यू रत्ना में बिल्कुल भी नहीं होता, और अर्का करके कोई सी भी वैरायटी है, अर्का करके कोई सी भी वैरायटी है उसमें भी स्पॉन्जी टिश्यू बिल्कुल नहीं होता, रत्ना में भी स्पॉन्जी टिश्यू बिल्कुल नहीं होता। जो वुड हाउस है इन्होंने मैंगो का ब्लैक टिप खोजा था, कौन सा डिसऑर्डर खोजा, ब्लैक टिप यानी काला धब्बा रोग खोजा, कौन से सन में, 1909 में। चीमा और धानी दो नाम है जिसमें से चीमा जो है, जो चीमा है इन्होंने अमरूद की एक बहुत फेमस वेराइटी L49 लखनऊ 49 जिसका नाम है सरदार, उसको डेवलप किया था पुणे के अंदर। कहां पे डेवलप किया था, पुणे के अंदर डेवलप किया था, किससे डेवलप किया था, इलाहाबाद सफेदा से। L49 या फिर सरदार या लखनऊ 49 अमरूद की सबसे पॉपुलर वैरायटी है, इसलिए इसे अमरूद की नेशनल वैरायटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल वैरायटी। किसने डेवलप की थी, चीमा ने, और इसी चीमा भाई साहब ने धानी के साथ 1934 में स्पॉन्जी टिश्यू को खोजा था। इसी चीमा जी ने धानी के साथ मिलकर स्पॉन्जी टिश्यू को खोजा था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हम बात करें मारीज, मारीज जो है इन्होंने 1891 में बिहार में मैंगो माल फॉर्मेशन यानी आम का गुच्छा मुच्छा विकार है उसको खोजा था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है के एम थॉम्स और सी एस कृष्णा स्वामी, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों दोस्तों ने भाई क्या किया, जो ब्रिंजल यानी बैंगन है उसका लिटिल लीफ खोजा, जो ब्रिंजल है बैंगन है उसका लिटिल लीफ खोजा। और लिटिल लीफ डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, पहले तो हम इसकी बात करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो है बी, और जिसने बी आंसर दिया था उसकी तैयारी जो है वो क्या है, बहुत बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, इसकी जो तैयारी है वो क्या है, बहुत बढ़िया है। जिसने आंसर सही दिया उसकी तैयारी है वो बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, लिटिल लीफ जो है वो जनरली क्या है, सभी प्लांट्स में तो होता है जिंक की डेफिशिएंसी से, ऑलमोस्ट सभी प्लांट में जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, और सिट्रस में कॉपर की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। सिट्रस में जिंक की डेफिशिएंसी से भी होता है, कॉपर की डेफिशिएंसी से भी होता है। जब जिंक की डेफिशिएंसी से होता है तब हम उसको बोल देते हैं मोटलिंग, या फिर क्या बोल देते हैं उसको, फ्रेंचिंग बोल देते हैं। बाकी सभी पौधों में तो जिंक की कमी से होता है, सिट्रस में अगर लिटिल लीफ होता है जिंक की कमी से तब हम मोटलिंग या फ्रेंचिंग बोल देते हैं, और कॉपर की कमी से होता है तब लिटिल लीफ ही बोलते हैं।
तब क्या बोलते हैं, लिटिल लीफी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ सभी प्लांट में जिंक की कमी से होता है, लेकिन ब्रिंजल, ब्रिंजल बोले तो बैंगन, बैंगन के अंदर लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा से होता है। किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी डिस्कवरी की थी के एम थॉमस और सी एस कृष्णा स्वामी ने की थी। और जो ये लिटिल लीफ है ब्रिंजल का, यानी जो माइकोप्लाज्मा एमएलओज या फिर फाइटोप्लाज्मा भी आप बोल सकते हैं, तो ये जो फैलता है, ये फैलता है लीफ हॉपर, पत्ती के फूड के द्वारा फैलता है। यहां क्वेश्चन था स्पॉन्जी टिश्यू किसने खोजा, ये जी चीमा और धानी ने खोजा। कौन से सन में खोजा? 1934 के अंदर खोजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन क्रॉस है, और फटाफट आप बताइए कि कौन से क्रॉस से कौन सी वेराइटी तैयार की गई है। क्रॉस ऑफ अंबिका मैंगो इज, अंबिका जो वेराइटी है उसका दूसरा नाम है CISH1। ये रिलीज हुई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो अंबिका का क्रॉस पूछा गया है। ये सारे ही क्रॉस किसी न किसी वेराइटी के हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे कौन सा क्रॉस किसका है। फटाफट बताइए, नहीं तो आपसे पहले मैं बता दूंगा फिर। दशहरी इंटू नीलम, DNA, यानी दशहरी इंटू नीलम से तैयार हुई कौन सी? आम्रपाली। कौन सी तैयार हुई है भाई? आम्रपाली। ट्रिक क्या हो गई? DNA। अगर ये जस्ट उल्टा क्रॉस होता है, यानी नीलम इंटू दशहरी होता है, तो इससे तैयार होगी मलिका, और मलिका में सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट होता है, इसीलिए तो मलिका सेरावत खूबसूरत है, क्योंकि विटामिन ए बहुत है। तो मलिका के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन, और जो आम्रपाली का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल क्रॉस है, यानी नीलम इंटू दशहरी है ना। नेक्स्ट है नीलम इंटू अल्फांजो। नीलम इंटू अल्फांजो किसका क्रॉस है? RNA। रत्ना का क्रॉस क्या है भाई? नीलम इंटू अल्फांजो है। क्या क्रॉस है? रत्ना का नीलम इंटू अल्फांजो, और रत्ना में स्पॉन्जी टिश्यू नहीं होता है, और रत्ना का क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्रॉस है रत्ना इंटू अल्फांजो बराबर सिंधु, RAS। तीसरा क्या है? RAS। रत्ना इंटू अल्फांजो किसका क्रॉस है? सिंधु का क्रॉस है, और सिंधु सीडलेस वेराइटी है। सबसे ज्यादा पल्प परसेंटेज 96% के आसपास सिंधु में, क्योंकि ये सीडलेस वेराइटी होती है। नेक्स्ट है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, और आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद है अंबिका का क्रॉस, और अंबिका का दूसरा नाम है CISH1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है रुमानी इंटू नीलम, ये है ये मंजरी का क्रॉस है। किसका? मंजरी का। किसका क्रॉस है भाई? ये मंजरी का क्रॉस है, और मंजरी जो वेराइटी है वो मैंगो की है, और मंजरी गोटा वेराइटी ब्रिंजल की बैंगन की है। मंजरी मैंगो की वेराइटी है, और मंजरी गोटा जो वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है? ब्रिंजल की वेराइटी है, बैंगन की किस्म है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बहुत सिंपल है। सूटेबल वेट ऑफ सक्कर्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ बनाना। बनाना की सक्कर्स का वजन प्रवर्धन के लिए बढ़िया क्या रहने वाला है? दो तरह के सक्कर्स होते हैं बनाना में, एक तो स्वाड सक्कर जिसकी पत्तियां पतली होती हैं, एक जिसकी पत्तियां मोटी मोटी क्या चौड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं वाटर सक्कर्स। वाटर सक्कर्स प्रोपोगेशन के लिए बढ़िया नहीं होता है, और जो पतली पत्ती के सक्कर्स होते हैं, नेरो लीफ सक्कर्स होते हैं, जिनको हम स्वाड सक्कर्स बोलते हैं, वो प्रोपोगेशन के लिए बढ़िया होते हैं। और बनाना पे, बनाना के प्रोपोगेशन के लिए सक्कर्स का सबसे बढ़िया वजन रहने वाला है 750 ग्राम्स। अब देखो हम बात करें डेट पाम। डेट पाम में भी सक्कर से प्रोपोगेशन करते हैं, और डेट पाम में सक्कर्स का जो बढ़िया वजन है प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए अगर बढ़िया वजन की बात करें, किसमें? डेट पाम में, सॉरी डेट पाम में प्रोपोगेशन के लिए सक्कर्स का सुटेबल वेट पूछे डेट पाम में, खजूर में, तो 8 to 15 kg होता है, 8 से 15 किलो, और एक्यूरेट पूछे तो कितना बढ़िया होता है? 12 किलो। लेकिन बनाना में सक्कर्स का सुटेबल वेट कितना होना चाहिए? 750 ग्राम। कितना होना चाहिए? 750 ग्राम जो वेट है वो सबसे बढ़िया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट वेराइटी ऑफ पपाया फॉर पेपेन प्रोडक्शन।
पेपेन प्रोडक्शन के लिए पपाया की सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है? पेपेन प्रोडक्शन के लिए पपाया की सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है? तो पेपेन प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है CO5। कौन सी? CO5 है। और उसके बाद कोई दूसरा आपसे पूछ ले तो है पुसा मैजेस्टी। सबसे बढ़िया तो है CO5, और CO5 के बाद अगर कोई दूसरी है तो पुसा मैजेस्टी है। पेपेन क्या होता है? जो कच्चे फल होते हैं उनमें कट लगा दिया जाता है, जिनसे एक व्हाइट लेटेक्स निकलता है, जिसको पेपेन बोलते हैं। और पेपेन में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, 72 से 73% होता है। एक्यूरेट पूछ ले तो 72.2% के आसपास प्रोटीन होता है। इस पेपेन को मेडिसिनल पर्पज से काम में लिया जाता है, च्युइंगम बनाने के लिए काम में लिया जाता है, लेदर है उसको सॉफ्ट करने के काम में लेते हैं, लेदर से बाल हटाने के काम में लेते हैं, टूना मछली है उसके जिगर से तेल निकालने के काम में लेते हैं, यानी बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस है। उसके अलावा बियर के क्लियरेंस में इसको काम में लिया जाता है। तो पेपेन की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिमांड रहती है, पेपेन की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है। और लगभग एक प्लांट से 200 से 300 ग्राम और कुछ कुछ वैरायटियों में 350 ग्राम तक भी पेपेन है पर प्लांट मिल जाता है। ठीक है, तो पेपेन प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी CO5 है। और इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो पुसा मैजेस्टी का आता है। पेपेन प्रोटीन रिच होता है और इसमें प्रोटीन 72.2% होता है और इसमें पेप्सिन एंजाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें थिनिंग प्रैक्टिस इन विच फ्रूट क्रॉप्स। थिनिंग की जो प्रैक्टिस है वो किसमें की जाती है? थिनिंग का मतलब होता है ज्यादा फ्लावर है उनकी संख्या कम करने की जो प्रैक्टिस है वो किसमें की जाती है? तो थिनिंग तो किया जाता है ग्वावा में, और ग्वावा में थिनिंग करने के लिए अपने काम में लेते हैं 200 ppm NAA। क्या काम में लेते हैं? 200 ppm NAA काम में लिया जाता है। बनाना के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। बनाना के अंदर डी नवेलिंग होती है। डी नवेलिंग का मतलब होता है जो इनफ्लोरेसेंस होता है उससे मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डी नवेलिंग बोलते हैं। उसके अलावा बनाना के अंदर हार्वेस्टिंग करने के बाद जो स्टेम है उसको जमीन के पास से काट दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मेटोकिंग कहते हैं, जिसको अपने क्या बोलेंगे? मेटोकिंग कहा जाता है। डेट पाम जो है यानी खजूर है उसके अंदर हैंड पोलिनेशन किया जाता है, हैंड पोलिनेशन या आर्टिफिशियल पोलिनेशन की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस है। ग्रेप के अंदर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा पीछे ग्रिडलिंग है वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाने के लिए, वो मैंने आपको बता दी थी कि ग्रिडलिंग क्या होती है। ठीक है, तो थिनिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थिनिंग बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक तो ये पूछा गया है कि थिनिंग है वो किस में जाती है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि थिनिंग के लिए कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है वो काम में लिया जाता है। तो थिनिंग के लिए जो मेनली ग्रोथ रेगुलेटर काम में लिया जाता है वो NA लिया जाता है, और कितने ppm तक काम में लिया जाता है? 200 ppm तक काम में लिया जाता है। बनाना में मैंने बताया था डी नवेलिंग इतना नहीं पूछा जाता है। दूसरा मेटोकिंग क्या होता है? बनाना अपनी लाइफ में एक ही बार फ्रूटिंग देता है। आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा फ्रूट है जो अपनी लाइफ में एक ही बार फ्रूटिंग देता है? तो अपनी लाइफ में जो एक ही बार फ्रूटिंग देता है वो कौन सा है? बनाना। अब देखो बनाना जैसे ही फ्रूटिंग देगा वैसे ही अपने क्या है, फ्रूट तोड़ने के बाद इसका जो स्टेम है वो जमीन के पास से अपने क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जमीन के पास से इसको क्या कर देंगे? अपने काट देते हैं। तो इसको बोलते हैं मेटोकिंग, और मेटोकिंग की जाती है बनाना में। उसके अलावा बनाना में एक प्रैक्टिस और भी होती है, जैसे ये बनाना का पत्ता है और यहां पास में लीफ है और इसके पास में दूसरा बनाना है उसकी लीफ है, इन दोनों लीफ को आपस में बांध दिया जाता है जिससे क्या है, पौधा गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोपिंग। क्या बोलते हैं? प्रोपिंग। वैसे आपको पता हो तो प्रोपिंग शुगर केन में, गन्ने में भी की जाती है। प्रोपिंग किसमें की जाती है? गन्ने में। लेकिन उसमें क्या करते हैं अपने, उसमें तने को बांधते हैं, और यहां पे अपने किसको बांधते हैं? लीफ को बांधते हैं। तो बनाना में डी नवेलिंग की जाती है, मेटोकिंग की जाती है, प्रोपिंग भी की जाती है। ग्वावा के अंदर थिनिंग की जाती है, और डेट पाम के अंदर हैंड पोलिनेशन या आर्टिफिशियल पोलिनेशन, जिससे क्या होता है, फ्रूटिंग ज्यादा होता है। और ग्रेप्स में ग्रिडलिंग की जाती है।
नेक्स्ट है टीएसएस ऑफ पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट में दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, सॉरी तीन क्वेश्चन। एक तो ये पूछा जाता है मर्दुला वेराइटी किसकी है, मर्दुला पॉमग्रेनेट की है, अर्का मर्दुला ग्वावा अमरूद की है, और पुस्सा मर्दुला है वो रेडिस की है, मूली की होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टोरेज टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉमग्रेनेट का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पॉमग्रेनेट का टीएसएस पूछा जाता है। तो फटाफट बताओ भी पॉमग्रेनेट का टीएसएस कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताइए कि जो पॉमग्रेनेट है उसका टीएसएस कितना होता है। देखो जो पॉमग्रेनेट है इसका जो टीएसएस होता है वो 14 से 16 होता है। कितना होता है? 14 से 16। और एक्यूरेट पूछ ले तो कितना होता है? 15 डिग्री ब्रिक्स होता है। टीएसएस तो जानते हो ना, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। किसे मेजर करते हैं? ब्रिक्स हाइग्रोमीटर से, या फिर किसे ज्ञात करते हैं? जो टीएसएस है वो किसे मेजर किया जाता है? टीएसएस मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट अपने काम में लेते हैं। कौन कौन सा काम में लेते हैं? एक तो अपने ब्रिग्स हाइग्रोमीटर और दूसरा लेते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, ब्रिग्स हाइग्रोमीटर और दूसरा रिफ्रैक्टोमीटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट, ये मेजर मेजर फ्रूट के टीएसएस आपको यहां पे दिए हुए हैं। जो मेजर मेजर फ्रूट है उनके टीएसएस आपको यहां पे दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। और लगभग सारे फ्रूट के जो मेजर मेजर है, बाकी तो और भी फ्रूट है लेकिन उनका अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सबसे जो मेन पूछा जाता है वो आपके यहां सामने जो लिस्ट दी हुई है इन्हीं से पूछा जाना है। ये जो लिस्ट दी हुई है इससे बाहर कुछ पूछे जाने के चांसेस नहीं है। और टीएसएस के क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो टीएसएस आज तक पूछा गया है वो किसका पूछा गया है? पॉमग्रेनेट का, अनार का ही पूछा गया है। ग्रेप्स में टीएसएस 18 से 22 होता है, कीवी में 6.5, मैंगो में 18 से 20 होता है, अभी बताया था सबसे ज्यादा साय पसंद में होता है। मस्क मेलन के अंदर 11 से 17 यानी खरबूजा में 11 से 17, वाटर मेलन में 11 से 13 होता है। कितना होता है? 11 से 13। वहीं पे पपाया में 11.5, पीच के अंदर यानी आड़ू में 10 होता है, पियर के अंदर नाशपति में 13 होता है, पाइनएप्पल में 12 से 14, प्लम में 12, पोमग्रेनेट में 14 से 16, स्ट्रॉबेरी में 7 से 10 और वाटरमेलन के अंदर 8 से 13 या फिर 11 से 13 ऑप्शन आएगा। ठीक है, 8 से 13 ऑप्शन आएगा या फिर 11 से 13 ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बेस्ट वेराइटी ऑफ आंवला फॉर कैंडी मेकिंग। आंवला की कैंडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया वेराइटी कौन सी है? सबसे पहले है बनारसी। बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए बढ़िया है, बनारसी वेराइटी है ये, मुरब्बा बनाने के लिए बढ़िया है। फ्रांसिस जिसका दूसरा नाम है हाथीजूल, ये फ्रूट नेक्रोसिस के लिए, जो हाथीजूल है यानी जो फ्रांसिस का दूसरा नाम है हाथीजूल, ये फ्रूट नेक्रोसिस के लिए सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, इसमें फ्रूट नेक्रोसिस की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसमें से एक वेराइटी सिलेक्शन की गई थी NA7 जिसके अंदर नेक्रोसिस नहीं होता है। NA7 में फ्रूट नेक्रोसिस नहीं होता, और सिलेक्शन भी किससे किया गया था उसका? फ्रांसिस से यानी हाथीजूल से किया गया है। तो फ्रांसिस या हाथीजूल में फ्रूट नेक्रोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और आंवले का जो मेन डिसऑर्डर है वो फ्रूट नेक्रोसिस है जो बोरोन की कमी से देखने को मिलता है। चकाया जो है, चकाया के अंदर अल्टरनेट बियरिंग की समस्या देखने को मिलती है, चकाया में अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। NA6 जो है जिसका नाम है अमृत, ये कैंडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, और इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कैंडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है, तो NA6 है जिसका नाम क्या है? अमृत है। NA6 यानी अमृत कैंडी बनाने के लिए बढ़िया है, बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए बढ़िया है, फ्रांसिस या हाथीजूल में फ्रूट नेक्रोसिस की समस्या बहुत है, और फ्रूट नेक्रोसिस जो है वो बोरोन की कमी से होता है। और फ्रांसिस या हाथीजूल से हमने एक वैरायटी रिलीज की जिसका नाम था NA7 जिसके अंदर नेक्रोसिस की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती, और चकाया जो है, जो चकाया है इसके अंदर अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। NA करके कोई भी वैरायटी आ जाए ये आंवला की होगी क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है नरेंद्र आंवला, और NB करके कोई भी वैरायटी आ जाए बिल की वैरायटी होगी क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है नरेंद्र बिल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड्डो और चार्ट सिस्टम इज NU कॉन्सेप्ट ऑफ NU लिखना था, अलग अलग शब्द करना था। NU कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्वा प्लांटिंग विच हैज बीन डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 8। देखो मिड्डो ऑर्चार्ड सिस्टम क्या है? ग्वावा के अंदर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने का एक सिस्टम है जिसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस 2 मीटर रखते हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1 मीटर रखते हैं।
वैसे गुआवा में नॉर्मल डिस्टेंस है वो 6 to 8 into 6 to 8 मीटर रखी जाती है, डिपेंड करती है वेराइटी पे। लेकिन जब हम मिडो और चार सिस्टम लगाते हैं तो प्लांटिंग सिस्टम है वो 2 into 1 रखा जाता है, यानी लाइन टू लाइन डिस्टेंस 2 मीटर, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1 मीटर। और मिडो और चार्ज सिस्टम का मतलब है यहां पे हाई डेंसिटी प्लांटिंग। और ये सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो किसने डेवलप किया था बताओ भी, IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरघट्टा बेंगलोर में है, CISR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में, IRI आप बढ़िया तरीके से जानते ही हैं, CIS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है। तो इन चारों में से किसने मिडो और चार्ड सिस्टम इन गुआवा डेवलप किया था, यानी एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग का सिस्टम है। तो ये डेवलप किया था CISH लखनऊ ने, किसने, CISH लखनऊ ने। ध्यान रखना भारत में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग गुआवा में ही अडॉप्ट किया गया था, भारत में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग है वो गुआवा में ही अडॉप्ट किया गया था और लखनऊ में ही किया गया था और CISH के अंदर ही किया गया था, यानी ये जो सिस्टम है यही सबसे पहले इंडिया में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आया था। और इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, 2 into 1 मीटर की प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है। लेकिन जब बात की जाए वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम एप्पल में अडॉप्ट किया गया था, यूरोप में अडॉप्ट किया गया था, यूरोप में भी सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर अडॉप्ट किया गया था। विश्व में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया एप्पल में, यूरोप में यानी यूरोप में भी पर्टिकुलर इंग्लैंड में। और भारत में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑर्चर्ड है वो गुआवा में लगाया गया, CISH लखनऊ में लगाया गया, जिसे मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 2 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखी गई थी। नेक्स्ट ग्रेप्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ट्रेनिंग मेथड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज हाई फ्रॉम अनदर मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। इन ट्रेनिंग मेथड में से कौन से मेथड के अंदर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो सबसे हाई देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। पोल या टॉप मेथड सबसे पुराना मेथड है, कमर्शियल किसी में अपनाया नहीं जाता है तो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। बावर सिस्टम पंडाल विधि को कहा जाता है, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो बावर है और साउथ इंडिया में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, बावर सिस्टम, जिसको हम पंडाल विधि बोलते हैं। कॉर्डन या ट्रेलिस विधि, ये कॉर्डन या ट्रेलिस विधि है, नॉर्थ इंडिया में सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो कॉर्डन या ट्रेलिस मेथड है और परलेट वेराइटी के अंदर सबसे ज्यादा यही अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लगाई जाने वाली सबसे ज्यादा वेराइटी कौन सी है, परलेट। तो नॉर्थ इंडिया में कॉर्डन या ट्रेलिस सिस्टम है वो पॉपुलर है। ये टेलीफोन सिस्टम है जिसको हम 6 कैन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टेलीफोन मेथड है, टेलीफोन मेथड इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया जाता है। अब बात थी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे ज्यादा किसका होता है, तो इन मेथड में सबसे ज्यादा जो पावर सिस्टम है, जितने भी ट्रेनिंग मेथड है उनमें सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको बावर सिस्टम में देखने को मिलता है, पंडाल विधि में देखने को मिलता है। और इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन आजकल एक ट्रेनिंग की और विधि आ गई है, कौन सी है, टेटुरा ट्रेलिस, जिसके अंदर वी शेप के अंदर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है। किसमें, वी शेप के अंदर ऐसे ट्रेनिंग की जाती है जिससे बेल का फैलाव ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी मेथड से होता है, इसको टेटुरा ट्रेलिस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेटुरा ट्रेलिस मेथड बोलते हैं या 4 कैन सिस्टम भी बोलते हैं। टेटुरा ट्रेलिस या 4 कैन मेथड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और ये विधि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है और इंडिया में भी कहां से इंट्रोड्यूस की गई है, ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुई है, यानी ऑस्ट्रेलिया का मेथड है टेटुरा ट्रेलिस या 4 कैन सिस्टम बोलते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अंगूर के अंदर जो सबसे ज्यादा पौधे लगते हैं 2222 से लेकर 4444 तक पौधे, यानी बहुत ज्यादा डेंसिटी के साथ, वो टेटुरा ट्रेलिस या 4 कैन सिस्टम से ही लगते हैं। किससे लगते हैं, टेटुरा ट्रेलिस या 4 कैन जो सिस्टम है उसी से लगते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना जो ग्रेप्स है उसकी जो ट्रेनिंग मेथड है उससे क्वेश्चन आता है और यहां पे मैंने ये सारे ही दे रखे हैं। बावर सिस्टम इंडिया में सबसे पॉपुलर है, साउथ इंडिया में सबसे पॉपुलर है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे ज्यादा है, पोल या टॉप मेथड है ये सबसे ओल्ड मेथड है, काम में नहीं लिया जाता है, कॉर्डल या ट्रेलिस मेथड है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, परलेट वेराइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, टेलीफोन सिस्टम या 6 कैन सिस्टम इंडिया में कमर्शियली अडॉप्ट नहीं किया जाता है, टेटुरा ट्रेलिस या 4 कैन सिस्टम है ये ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देता है लेकिन इसको लगाने में खर्च भी सबसे ज्यादा ही हो जाता है,
हाई डेंसिटी प्लांटिंग में सबसे ज्यादा डेंसिटी से प्लांटिंग टेटुरा टेलिस मेथड में ही होती है। एक हेक्टर में अपने 2222 से लेकर 4444 तक पौधे इसमें लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेज डेट पाम हार्वेस्टेड इन इंडिया, भारत में खजूर को कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है। देखो सबसे पहले जब खजूर छोटा होता है उसको बोलते हैं हेबाबुक, क्या बोलते हैं हेबाबुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेबाबुक बोला जाता है। उसके बाद फ्रूट क्या है लगभग डेवलप हो जाता है लेकिन उसका कलर है वो ग्रीन रहता है, खाने में कड़वा रहता है, इसको हम बोलते हैं किमरी स्टेज, क्या बोलते हैं इसको किमरी। उसके बाद फ्रूट क्या है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और पकने लगता है और उसका कलर येलो हो जाता है जिसको हम बोलते हैं खलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं खलल। और खलल इंडिया के अंदर जून जुलाई में आ जाती है, कब आ जाती है जून जुलाई के अंदर इंडिया में खलल जो स्टेज है, खलल को हम डोका भी बोलते हैं, कौन सी स्टेज बोलते हैं डोका भी बोलते हैं। उसके बाद फल पककर सॉफ्ट हो जाता है खाने में और भी मीठा हो जाता है उसको रुतब बोलते हैं, और पेड़ पे पड़ा पड़ा फल सूख जाता है जिसको हम तमर या फिर पिंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं तमर या फिर उसको क्या बोलते हैं पिंड बोलते हैं। अब ध्यान रखना, देखो सबसे पहली जो अवस्था है वो किमरी या फिर गंडोरा स्टेज होती है, क्या होती है किमरी या फिर गंडोरा स्टेज होती है। इस पे तो कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए ही क्या है किसी फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है, यानी ये ग्रीन स्टेज है, नॉर्मली इस पे हार्वेस्ट नहीं किया जाता है। भारत में फल जून जुलाई में यानी खलल या डोका स्टेज पे पक जाता है, लेकिन अब इस समय बारिश स्टार्ट होने वाली होती है, आपको ही पता है राजस्थान में 15 जून के बाद बारिश आने लग जाती है, तो ये बारिश की वजह से फल खराब हो सकता है, और सबसे ज्यादा खजूर राजस्थान में ही होता है, तो भारत में क्या है बारिश की खलल पड़ जाएगी, बारिश का अवरोध आ जाएगा, इस वजह से भारत के अंदर जो फल है वो डोका या खलल स्टेज पे तोड़ लिए जाते हैं। भारत में जो खजूर के फल है वो डोका या खलल स्टेज पे तोड़ लिए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर आप डेट पाम से छुआरा बनाते हो तब भी आप फ्रूट को कौन सी स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे, अगर आप डेट पाम से छुआरा बनाते हैं तब भी आप फ्रूट को डोका या खलल स्टेज पर ही क्या करेंगे हार्वेस्ट करेंगे। अरबियन कंट्री में बारिश बहुत लेट बहुत कम होती है, इसलिए वो लोग क्या है इसको पकने के बाद सॉफ्ट भी होने देते हैं, सॉफ्ट भी होने देते हैं, इसको बोलते हैं रुतब या फिर कौन सी स्टेज बोल देते हैं डेंग स्टेज बोल देते हैं। तो अरबियन कंट्री में डेंग या रुतब पे तोड़ा जाता है, और कुछ लोग क्या करते हैं पेड़ पे ही खजूर को छोड़ देते हैं उसको सूखने देते हैं, जब वो सूख जाता है तब उसको तमर अथवा पिंड बोलते हैं। तमर या जो पिंड होता है वो खाने में सबसे मीठा होता है जो शर्करा बनाने के काम भी आता है। लेकिन क्वेश्चन था कि भारत में खजूर को कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है, तो डोका या खलल स्टेज में तोड़ा जाता है, और छुआरा बनाने के लिए भी डोका या खलल में ही तोड़ते हैं। राइट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, लिखित में चाहिए तो अब जब आप ये पीडीएफ एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये आपके सामने फ्रूट दिया हुआ है, उसकी अलग अलग स्टेजेस दी हुई है, और भारत में कौन सी स्टेज में तोड़ते हैं खलल में, खलल बोले तो कौन सी स्टेज डोका स्टेज, और इसी स्टेज पर क्या है छुआरा बनाने के काम में लिया जाता है, यहीं पर इसको सुखा कर क्या बनाया जाता है छुआरा बनाया जाता है। रुतब जो अवस्था है या डेंग अवस्था ये अरबियन देशों में काम में ली जाती है, तमर भी अरबियन देशों के अंदर ही काम में ली जाती है, और तमर को पिंड खजूर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये गजब का क्वेश्चन है। प्रूनिंग टाइम इन बेर, बेर में प्रूनिंग का टाइम क्या होता है, मिड मार्च से मिड अप्रैल जी नहीं होता है, मिड अप्रैल से मिड मई बिल्कुल ठीक है। बेर का प्रूनिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेर में जो प्रूनिंग की जाती है वो मिड अप्रैल से मिड मई में की जाती है, कब की जाती है मिड अप्रैल से मिड मई के अंदर की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप बताओ कि ग्रेप्स में प्रूनिंग का समय कब होता है, जो ग्रेप्स होता है उसमें प्रूनिंग का समय कब होता है, और ग्रेप्स में प्रूनिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, ग्रेप्स में प्रूनिंग का टाइम क्या है, फटाफट बताओ भी, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। ग्रेप में प्रूनिंग का टाइम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है,
ग्रेप्स में प्रूनिंग का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेप्स में प्रूनिंग का टाइम होता है दिसंबर जनवरी। क्या होता है? दिसंबर जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। कहीं कहीं पे क्या है, प्रूनिंग जो है वो जनरली कब कर दी जाती है? नवंबर में भी कर दी जाती है। तो आप बोलेंगे नवंबर से जो जनवरी है वो प्रूनिंग का सबसे बढ़िया टाइम है। अब ग्रेप्स के अलावा एक जो और प्लांट है हॉर्टिकल्चर में जिसकी प्रूनिंग बहुत बार पूछी जाती है, तो बताओ कि रोज में गुलाब में प्रूनिंग का सबसे सही टाइम क्या है? जो गुलाब है उसमें प्रूनिंग का सबसे सही टाइम क्या है? गुलाब में जो प्रूनिंग है वो अक्टूबर से जनवरी में की जाती है, ज्यादातर ये समझ लो दिसंबर में की जाती है। ज्यादातर प्रूनिंग कब की जाती है? दिसंबर में, लेकिन सुटेबल टाइम अक्टूबर से जनवरी। और ग्रेप्स में कब की जाती है? नवंबर से जनवरी, और सबसे सुटेबल टाइम है वो दिसंबर जनवरी है। कौन सा है? दिसंबर जनवरी। और तीसरी प्रूनिंग पूछी जाती है बेर की, और बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? मिड अप्रैल से मिड मई में करते हैं, मिड अप्रैल से मिड मई के अंदर करते हैं। इन तीन प्लांट्स की आपको प्रूनिंग टाइम है वो अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है पंत अपर्णा वेराइटी। और पंत अपर्णा किसकी वेराइटी है? पंत सुजाता किसकी वेराइटी है? पंत शिवानी किसकी वेराइटी है? बताओ भी, पंत अपर्णा, पंत सुजाता, पंत शिवानी, ये तीनों एक ही फ्रूट की वेराइटी है, फटाफट बताइए किसकी है। ये जी बील की वैरायटी। किसकी? बील की वैरायटी है। और उसके अलावा एनबी करके 1 2 3 4 5 7 6 जितनी भी आ जाए ये सब बील के, नरेंद्र बील। और पंत अपर्णा, पंत सुजाता, पंत शिवानी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। किसकी? बील की। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं फैमिली ऑफ करौंदा। करौंदा की फैमिली कौन सी है? ये करौंदा। और बताइए कि करौंदा की फैमिली कौन सी है? तो देखो दोस्तों, टीलियसी फैमिली है किसकी? फालसा की। बोरोजिनेसी है लेसोडा की। मिर्टेसी जो है वो जामुन की भी है, और उसके अलावा अपने ग्वावा की भी है, अमरूद की भी है, और लौंग जो है क्लोव है उसकी भी है। मिर्टेसी लौंग की भी है यानी क्लोव की भी है, जामुन की भी है, ग्वावा की भी है। बोरोजिनेसी लसोड़ा की है। मोरेसी जो है वो फिग की भी है, और इसके अलावा मलबेरी यानी सहतूत की भी है। और एपोसाइनेसी है वो किसकी है? करौंदा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, अगर किसी फ्रूट की फैमिली पूछी गई तो इन पांचों में से ही एक पूछी जाएगी, इन पांचों में से ही एक पूछी जाएगी। उसके अलावा एप्पल पियर पीच की कई बार पूछ ली जाती है, उनकी रोजेसी है। उनकी कौन सी है? रोजेसी है। टीलेसी फालसा की, एपोसाइनेसी करौंदा की, मोरेसी जो है वो फिग की है और मलबरी की है, मिर्टेसी है वो गुआवा की है, जामुन की है और क्लोव की है, बोरोजिनेसी है ये किसकी है? लसोड़ा की है। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। देखो बेर का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन, सॉरी बेर क्या, सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है? सेब बोले तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, तो इसका अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है? देखो M6 है वो तो सेमी ड्वार्फ है, M26 और M9 है वो ड्वार्फ है, और M27 है यानी अल्ट्रा ड्वार्फ है। M का मतलब होता है मेलिंग। अब और ज्यादा आपको डीपली देखना है तो आप देख सकते हैं यहां पे रूट स्टॉक दिए हुए हैं, लेकिन हम बात करें M27 बहुत ही ड्वार्फ रूट स्टॉक है। अगर आप M27 का यूज करते हैं या P9 का यूज करते हैं तो इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस 1.2 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 1.2 मीटर ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोना मूलवरंत होता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है वो इस टेबल में दिए हुए हैं, आप देखना चाहते हैं तो इनको देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर M27 के बारे में ही आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज ड्यू टू। जो फायर ब्लाइट है वो एप्पल में किसके कारण होता है? सबसे पहली बात तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। जितने में मैं आंसर दूं उतने में बता दूं, अब तो बहुत आसान हो गया होगा आपके पास। देखो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये होता है इरोविनिया एमाइलोवोरा से। किससे होता है? इरोविनिया एमाइलोवोरा से होता है। ये सी ऑप्शन इसका राइट है, बट यहां पे देखने वाली बात ये है कि एप्पल के तीन डिजीज आपको मेनली याद रखनी है। एक तो कौन सा? एप्पल स्केब।
एप्पल स्केब होता है, ये होता है वेंचुरिया इनक्विलिस के कारण या स्पिलो सिया पोमाई के कारण होता है। दूसरा क्राउन गाल, ये बैक्टीरिया से ही होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से होता है। तीसरा फायर ब्लाइट है जो इरोविनिया एमाइलोवोरा से होता है। तीन रोग आप याद कर लो एप्पल के, और एक डिसऑर्डर है वो आप ध्यान रखो, बिटर पीट एंड क्रैकिंग जो कैल्शियम की कमी से होता है। बिटर पीट और क्रैकिंग है वो कैल्शियम की कमी से होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस दुनिया में सबसे पहला एनिमल बैक्टीरिया पेरासाइट जो है, यानी ऐसा जीवाणु जो जंतुओं में जो सबसे पहले रोग फैलाता है, वो कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस खोजा गया था। इस दुनिया में सबसे पहला जंतुओं में रोग फैलाने वाला जीवाणु कौन सा खोजा गया था? बेसिलस एंथ्रेसिस खोजा गया था। देखो, इस दुनिया में सबसे पहला रोग फैलाने वाला जीवाणु ही, चाहे पौधे और जंतु सब में मिला के सबसे पहला जो जीवाणु खोजा गया था वो बेसिलस एंथ्रेसिस पे खोजा गया था। कौन से सन में खोजा गया था? 1876 के अंदर। यानी सबसे पहला बैक्टीरियल पेरासाइट जो खोजा गया था वो बेसिलस एंथ्रेसिस खोजा गया था। आप अच्छी तरह जानती हैं ये एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक होता है। एंथ्रेक्स जो केटल और सिप के अंदर होने वाला एक क्या है? जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, जो बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। तो सबसे पहला बैक्टीरियल पेरासाइट जो एनिमल्स में डिजीज फैलाता है वो खोजा गया बेसिलस एंथ्रेसिस। कब खोजा गया था? 1876 में। किसने खोजा था, सॉरी किसमें खोजा था? केटल और सिप के अंदर खोजा गया था। तो इस दुनिया में सबसे पहला रोग फैलाने वाला जीवाणु खोजा गया बेसिलस एंथ्रेसिस। किसमें? केटल और सिप में। कब? 1876 में। कौन सा रोग फैलाता है? एंथ्रेसिस फैलाता है। उसके जस्ट जस्ट बाद टीजी बुरिल जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलोनियस जो है, उसमें 1877 से 1885 के दौरान पौधों में सबसे पहले जीवाणु जनित जो रोग खोजा गया था, यानी प्लांट के अंदर बैक्टीरियल पेरासाइट जो सबसे पहले खोजा गया था वो कौन सा था? इरोविनिया एमाइलोवोरा था, यानी जो नाशपति और सेब के अंदर फायर ब्लाइट रोग फैलाता है। तो इस दुनिया में सबसे पहला जीवाणु जनित रोग कौन सा, पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन सा खोजा गया? फायर ब्लाइट। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान में रखो, इस दुनिया में सबसे पहला जीवाणु जनित रोग पशुओं में खोजा गया, कौन सा? एंथ्रेक्स खोजा गया। कब खोजा गया? 1876 में। किसमें खोजा गया? केटल और सिप में। और पौधों में सबसे पहला जीवाणु जनित रोग खोजा गया फायर ब्लाइट। किसमें खोजा गया? पियर और एप्पल में, यानी नाशपति और सेब में खोजा गया था। रोग कारक क्या था इसका? इरोविनिया एमाइलोवोरा था। और ये सबसे पहले खोजा किसने था? टीजी बुरिल ने खोजा था। कहां खोजा था? यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनिस के अंदर खोजा था। कब खोजा था? 1877 से 1885 के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो पहला जीवाणु जनित रोग पौधों में खोजा गया था वो फायर ब्लाइट, और किसके कारण होता है? इरोविनिया एमाइलोवोरा के कारण होता है। बाकी स्टोरेज के दौरान फलों में सबसे ज्यादा जो डिजीज होता है वो सॉफ्ट रोट होता है। कौन सा होता है? सॉफ्ट रोट। फलों में भंडारण के दौरान सबसे ज्यादा जो डिजीज होता है वो सॉफ्ट रोट होता है, और फ्रूट के अंदर जो सॉफ्ट रोट होता है वो इरोविनिया क्रोटोवोरा जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इरोविनिया क्रोटोवोरा जीवाणु की वजह से होता है। वो भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसकी भी अपने आगे डिस्कस करेंगे, या फिर मैंने अभी बता दिया, आप याद रख लेना। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लीची। जो लीची है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? एक तो लीची में एडिबल पार्ट पूछा जाता है, एडिबल पार्ट जो है वो कौन सा है इसका? फ्लेसी एरिल है, पीछे बता दिया था। दूसरा, लीची भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है? जी बिहार में होती है। तीसरा, जो शाही लीची है उसको जीआई टैग कौन से स्टेट के लिए मिला हुआ है? बिहार के लिए मिला हुआ है। तीसरा, चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, लीची का ओरिजिन कौन सा है? तो लीची का जो ओरिजिन है वो है साउथ चाइना। कौन सा ओरिजिन है? साउथ चाइना। और पांचवा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि लीची इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो 17वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस हुई थी। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 17वीं शताब्दी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, Which one is common pear? इनमें से common pear कौन सी है? एक है Pyrus communis, दूसरी है Pyrus pyrifolia, तीसरी है Pyrus pacea और चौथी है Pyrus nivalis। अगर इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट गलत करे आएगा तो उससे ज्यादा मूर्खता कोई नहीं करने वाला है।
क्योंकि इसने नाम में ही दे दिया, कॉमन पियर कौन सी है, पायरस कॉमिनस है, तो पायरस कॉमिनस इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है जो कॉमन पियर है यह दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई जाती है, इसको फ्रेंच पियर या इंग्लिश पियर या यूरोपियन पियर के नाम से भी जाना जाता है। जो पायरस पायरीफोलिया इसको जैपनीज सैंड पियर या ओरिएंटल पियर या एशियन पियर के नाम से भी जानते हैं। पायरस पेशिया जो है उसको वाइल्ड पियर, केत या महल के रूप में भी जानते हैं, इसको रूट स्टॉक के रूप में, मूल व्रंथ के रूप में काम में लिया जाता है। उसके अलावा पायरस नेविलस जो है उसको स्नो पियर के नाम से भी जाना जाता है। बट इस दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई जाने